गुड मॉर्निंग एवरीबडी गुड मॉर्निंग दोस्तों गुड मॉर्निंग विजय आपका माइक म्यूट uh, है विजय माइक म्यूट विजय आपका माइक म्यूट है शायद Uh, uh, दोस्तों माफी चाहूंगा भूल गया तो आज जिस पर्पज के लिए राहुल हम यहाँ पे जुड़े हुए हैं और ये आज जो लोगों की गैदरिंग के लग रहा है मोर देन सिक्स हंड्रेड पीपल आर ऑलरेडी देयर बहुत जल्दी ये यूट्यूब पे मैं लाइव भी करने वाला हूँ

डॉक्टर डॉक्टर सवेरा जी का नाम आता है तो वहां पे देखिए लोगों का जो क्यूरसिटी है और ज्यादा बढ़ जाता है और आयुर्वेद से जो प्यार है डेफिनेटली आयुर्वेद से प्यार तो हमें बाय बर्थ ये तो हमें अपने हेरिटेज में मिला हुआ है तो आयुर्वेदा नेचर से जुड़ा हुआ है और हमारा बॉडी भी नेचर से जुड़ा हुआ है और इसके बारे में लोगों की क्यूरियोसिटी लोगों को जानकारी होने के बावजूद भी लोग इसके बारे में और जानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं क्यों राहुल आपका क्या मानना है वेरी मचाई वेरी मच फाइन विजय आपने जो बोला सही है जैसे दोस्तों सभी आप सब जानते हैं कि अभी अभी पिछले महीने से हमने ये शुरुआत किया है ट्रेनिंग सेशंस और जिसमें हमने ना के लिए भी कवर किया है डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी कवर किया है हमने स्किल ट्रेनिंग भी कवर किया है और हमने इंस्पिरेशन भी कवर किया है तो इस महीने भी सेम उसी सिलसिले में हम लोग लेके जा रहे हैं लेकिन इस महीने में बहुत खास इसलिए है जैसे विजय कह रहा है जो सबके लिए बहुत जो इम्पोर्टेंट था जो आयुर्वेदा सीरीज उसके ऊपर ट्रेनिंग है और जब जैसे विजय कह रहा है जो सभी वेट कर रहा था एक एक सेशन जो ईगरली वेट कर रहे पिछले महीने से वेट कर रहा था वो सेशन आज है तो जैसे विजय बार बार कह रहा था इट्स 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 नन अदर देन डॉक्टर राजेश सवेरा जो डॉक्टर जो जिसका इनिशिएटिव इनिशिएटिव के वजह से ये हमारे सीरीज भी हमारे साथ में है और इसके साथ में बहुत सारा ब्यूटिफुल प्रोडक्ट भी हमें डॉक्टर सवेरा की तरफ से मिला सो डॉक्टर सवेरा अगर हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करूंगा तो

आपका बहुत बहुत स्वागत है ऐसा नहीं था लोग जागरूक नहीं थे लेकिन अब लोग ज्यादा जागरूक हो गए हैं लोगों का जो जुड़ाव है जो पेंडेमिक आया बहुत सारी चीजें लोगों के दिमाग में थी वो क्लियर हो गई थी तो हम सोचते थे कि हम ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी में है हम मंगल तक पहुंच चुके हैं और to to आपको नेचर के साथ जुड़ना है और यही प्यारे लोगों का देखो आठ सौ लोग अभी तक हमारे साथ जुड़ चुके हैं लगातार और लोग जानना चाहते हैं आपके द्वारा जानना चाहते हैं सर किस तरीके से हम डी की आयुर्वेदा सीरीज के जो प्रोडक्ट हैं उनका इस्तेमाल करके अपने इस शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और अपने देश को समृद्धि की ओर ले जा सकते हैं सर मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आज आप जो गुड़ रहस्य हैं आयुर्वेदा के इन प्रोडक्ट से जुड़े अब हमारे दर्शकों को बताएं जिससे कि उनके जीवन में बदलाव आए और उनके इनकम में भी बढ़ोतरी हो सो गुड मॉर्निंग एवरी वन थैंक यू राहुल एंड विजय आप लोगों ने मुझे इन्वाइट किया हाँ मेरा पहले से ही एक सपना रहा है जब से मैंने आयुर्वेद ज्वाइन किया था और फिर यू नो करीबन साढ़े सात पांच साल पढ़ने के बाद ये रियलाइजेशन हुआ कि आयुर्वेदा कोई गोली है, दवाई देने वाला साइंस नहीं है एक जीवन शैली वाला साइंस है जिसमें हमें हमारे शरीर के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है इसके बीच में चॉइस करना पड़ता है तो इसीलिए तो आयुर्वेद का जब डेफिनेशन आता है तो इसमें बताया जाता है कि हिता हितम सुखम दुखम आयुष हिता हितम मानम च योक्तम आयुर्वेद से उच्च बहुत सिंपल है मतलब ये बुद्धि ने चूज करना चाहिए कि हित क्या है अहित क्या है मेरे लिए शरीर के लिए सुखदायी क्या है और दुखदायी क्या है और जिसके अंदर वो विजडम आ गई वो प्रज्ञा आ गई वो नॉलेज आ गया वो आयुर्वेद को जान लिया और यहीं पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डीएक्शन क्योंकि डीएक्शन डॉक्टर लिम के अंदर जब से वो मैं तो कहूं प्रज्ञा मतलब इतना विजडम है डॉक्टर के अंदर और वो मुझे लास्ट में पता चला जैसे पचास साल तक जिस आदमी ने साधना की है उस भारत की शास्त्र की कि जो आज चाइना में है तो इतनी नॉलेज और ये नॉलेज के बेसिस पे उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया डीए कि और उनका ग्रेटिट्यूड देखो कितने आ, मतलब थैंकफुल है वो कि वो मानते भी है कि अगर वो ज्ञान नहीं होता ज्ञान नहीं होता उनके पास जो भारतीय संस्कृति का है और तो वो शायद इतना बड़ा एम्पायर खड़ा नहीं कर सकते थे और ये स्वास्थ्य की जो क्रांति लाई उन्होंने पिछले तीस सालों में दुनिया भर में और तब सहारा सिर्फ एक मशरूम का था ज्ञानोडोमा लुसिडम उसी को लेके ऋषि को लेके उन्होंने तहलका मचा दिया पूरी दुनिया में यू नो एक सिंपल प्रिंसिपल जो आयुर्वेद का हम लोग कहते हैं रसायन क्योंकि कहते हैं कि रसायन अकेला भी आपके शरीर में अगर जाए तो आपके शरीर की शुद्धता करके पूरी तरह शरीर को साफ करके आपके शरीर में कहीं ना कहीं वापस जान फूकता है तो मुझे ऐसा लगा कि हमारे पास तो गनाडोमा है सबसे पावरफुल है लेकिन कहीं ना कहीं बाकी यू नो सेनापति के साथ अगर सेना आ जाए तो मजा ही कुछ और जाए तो आयुर्वेद का तो सिंगल हर्ब्स का तो मेरा अपना हमेशा सपना रहा है और तो मुझे जब रफीक ने और हम लोगों ने डिस्कस कर रहे थे कि कौन से पहले यू नो हर्ब्स लिए जाए तो बोले मतलब बहुत सारे हर्ब्स आयुर्वेदा में जब हम अभी आप देखोगे आने वाले आ, इन अदर थ्री मंथ्स और फोर मंथ्स में हमारा जब फैक्ट्री शुरू हो जाएगा सिद्धिपेट में तो करीबन तीस से चालीस या पचास भी हर्ब्स आएंगे कॉम्बिनेशन आएंगे तो मतलब हर एक डिएक्शन डिस्ट्रीब्यूटर मेरा जो है वो अपने घर में एक छोटी सी एक आयुर्वेदा फार्मेसी चलाएगा वो अपने लोगों को हेल्प करेगा आजू बाजू के लोगों को इनो डिजीज से मुक्त करने की कोशिश करेगा तो विजय ये जो छे हर्ब्स है ये बहुत सोच समझ के लिए गए बहुत कॉमन हर्ब्स है लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा डीएक्शन वालों को क्या है एक सेनापति और दूसरी छह लोगों की सेना से एंट्री कर रहे हैं। ओके तो ये जो छह है ये छह बहुत चुने हुए हर्ब्स माने गए अब ये पैंडेमिक में लोगों को ये लगा कि इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए इम्यूनिटी आनी चाहिए लेकिन इम्यूनिटी क्या है ये रोग प्रतिकार क्षमता क्या होती है स्वस्थ होने का डेफिनेशन क्या है ये जो है मुझे बताने का सबसे बेहतरीन मौका ये छे हब से मिला है तो मैं बताना चाहूंगा आ, और इसीलिए मैं मेरा प्रेजेंटेशन भी दिखाऊंगा अभी कैन आई स्टार्ट यस यस डॉक्टर प्लीज ओके और बीच में अगर किसी को सवाल विवाल रहेगा तो आई एम ओपन फॉर दैट मैं मुझे मेरा प्रेजेंटेशन करते करते क्योंकि मुझे इसे छोटे में एकदम सिंपल में उसको समझाना है आप लोगों को कि ये बेसिकली है क्या और इसके फायदे क्या है तो ये सिंगल हर्ब्स आप ये मत सोचो कि ये सिंगल हर्ब्स है है ये छे जो है, ये जो बहुत ही पावरफुल और हर्ब्स है और इसमें से एक एक हर्ब्स आपको के साथ लेना है क्योंकि आरजीजीएल जो है ये है साफ सफाई करने, करने वाला यस ये डिटॉक्सिफिकेशन करने वाला है और अगर डिटॉक्स हो गया उसके बाद जैसे आयुर्वेद में बताया गया कि जो औषधि की चिकित्सा होती है वो एक शरीर जिसमें रसायन या फिर शुद्धकरण शोधिकरण हो गया है शुद्धिकरण उस शरीर में आप अगर औषधि चिकित्सा दो तो वो ज्यादा अच्छा काम करती है और इसीलिए हमारे जो या ने, या, सो डीएक्शन के जितने भी लोग हैं जिन्होंने आरजीजीएल खाया है और या खा रहे हैं उनको जब ये प्रोडक्ट्स का बारे में नॉलेज आएगा तो वो उनके जो तो हेल्थ के लेवल्स वो अच्छी तरह बढ़ा सकते हैं और क्वालिटी बढ़ा सकते हैं ओके तो पहले तो ये जानना जरूरी है कि एक्चुअली आयुर्वेद में ये मीनिंग क्या है ये जो स्वस्थ होने का जो अभी सब लोग बोलते we हैं तो उसका सिंपल डेफिनेशन जो आया है सुश्रुत संहिता में में एक बहुत समदोषा समय समातु मल्ल क्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन स्वस्थ इति अभिधेय कितना सिंपल में बताया गया और मैंने नीचे आपके चार्ट में दिखा भी है कि देखो एक है जो हमारे तीन दोष हम इसे तीन दोष क्यों करते हैं क्योंकि त्रिदोष बोल के हम लोग वात पित्त कफ लेकिन आज की सीरीज में आपको पता चलेगा ये तीन नहीं बल्कि दो है तीसरा तो उत्पन्न होता है दो की वजह से मैं आपको बताऊंगा तो वात पित्त कफ इन तीनों दोषों का साम्यावस्था यानी सम अवस्था में होना बहुत जरूरी है अक्सर अभी चिकित्सा में लोग ये सोचते कि वात को कम करना है पित्त को बढ़ाना पित्त को कम करना है कफ को बढ़ाना लेकिन असली में इनको समावस्था में लाना बहुत जरूरी है और हमारे आहार विहार विचार इससे क्या होता है ये दोषों में कहीं ना कहीं ऊपर नीचे होता रहता है तो पहले तो समदोषा मुझे तीनों दोष ये मेरी मुझे किसी तरह इसे बैलेंस में लाना है तो हमारे आहार के साथ हमारा जो विहार और जो हमारे विचार है ये भी बहुत मायने रखते हैं तभी तो हमारा जो शून्य जो कॉन्सेप्ट है ये यहाँ पे आता है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है तो कभी शून्य पे हम डिटेल में बात करेंगे तो समदोषा समग्निश्चय अग्नि जो है अग्नि भी जो है हमारी जब तक कहते हैं कि अग्नि जलेगी तब तक जीवन है ठीक है तो जैसे दिया है ना जब तक दिया की बाती जलेगी तब तक उसमें आजू बाजू रोशनी है उसी तरह ये जिंदगी जो है ये जिंदगी एक रोशनी की तरह है और जब तक हमारे अंदर की अग्नि जलेगी सबसे बड़ी जो हम मेन मानते हैं जठर अग्नि जो हमारे पेट से जुड़ी हुई है फिर वो जो होती है वो जाके बाकी के जो धातु होते हैं उनको अग्नि देते हैं तो जठर अग्नि ये जठर अग्नि और बाकी के अग्नियों का इनका भी सम होना बहुत जरूरी है क्योंकि कभी कभी विषम हो गया मतलब बढ़ गया तो प्रॉब्लम कम हो गया तो प्रॉब्लम तो ये ये इसका भी सम होना बहुत जरूरी है फिर सम धातु अभी यहाँ पे सात धातु जो बताए गए हैं आयुर्वेद में रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र और फिर इनका सबका सार जो ओज है इसका भी सम होना जरूरी है क्योंकि एक ही धातु बढ़ गया जैसे फॉर एग्जाम्पल रस धातु बढ़ गया तो आपके शरीर में शोध बढ़ जाता है मतलब सूजन आ जाती है फिर कहीं ना कहीं किसी रक्त धातु कम हो गया तो आपको होता है कोई भी प्लस माइनस हो गया तो भी आप कही न कहीं ना कहीं स्वस्थ नहीं हो सम धातु मल क्रिया मतलब अभी यहां आ गया सिंपल वर्ड डिटॉक्सिफिकेशन या क्लेंजिंग क्रिया में क्या है हमारा जो पुरुष हमारा जो मूत्र और स्वेद ये तीन तरह से शरीर अपनी गंदगी बाहर फेंकता है और इसकी क्रिया जिसकी नॉर्मल होनी चाहिए उतनी होनी चाहिए अगर वो वो क्रिया में कहीं अक्रिया आ गई मतलब जहां पेट साफ होना चाहिए वहां कॉन्स्टिपेशन आ गया तो प्रॉब्लम जहां पसीना निकलना चाहिए लेकिन इतने आलसी है कि थोड़ा भी एक्सरसाइज नहीं करते तो प्रॉब्लम यूरिन पानी ही कम पीते हैं या फिर सिस्टम ही खराब हो गया है तो प्रॉब्लम मतलब मल क्रिया भी इतना इंपॉर्टेंट है ये सब जब समदोषा समग्निश समातु मल क्रिया जब सही रहेगा नेचुरल है कि इंद्रिय जो है प्रसन्न अवस्था में रहेंगे और जब इंद्रिय प्रसन्न अवस्था में रहेंगे तो मन खुद ब खुद प्रसन्न अवस्था में रहेगा और यह प्रसन्नता जिसे कहते हैं इसी को हम लोग कहते हैं स्वास्थ्य और यह स्वास्थ्य हमें हमारे आहार विहार विचार इनसे लाना है तो अगर देखा जाए तो डिएक्शन क्या कर रहा है डिएक्शन इसी प्रिंसिपल पे काम कर रहा है हमको पता है कि हमारे शरीर में अगर हमको बैलेंस लाना है समस्त सम अवस्था लानी है तो हमको क्या चाहिए रिजुएनेशन मतलब जब शरीर हम लोग रोज यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें बोलते हैं ना शीरियती थी शरीर मतलब ये घिसता रहता है हर बार और जब जब घिसेगा तब तक वो कमजोर होगा तब उसको रिजुएनेशन चाहिए कहीं ना कहीं वापस बिल्ड अप करने के लिए चाहिए इसीलिए तो हम खाना खाते हैं अच्छा खाना खाएंगे तो शरीर बनेगा अगर गलत खाना खाओगे तो ये टूटेगा रिजुएनेशन मतलब रिपेयर एंड वापिस उसको रिजुवनेट करना वापिस जिंदा करना हर बार हर आहार से आपका शरीर जिंदा होता है इसलिए आहार सबसे इंपॉर्टेंट है इंप्रूव डाइजेशन अपनी अग्नि का वर्धन होना जरूरी है अच्छा होना जरूरी है ना ज्यादा ना कम तो यहां पे भी डाइजेशन आपको शक्ति अच्छी होनी चाहिए फिर तीसरा जो है हमारी जो मनस्थिति है कामिंग द नर्व ये जो स्ट्रेस लेके चल रहे हम जिंदगी का इसको कहीं ना कहीं हमको काम डाउन भी करना बहुत जरूरी है अगर वो काम डाउन नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं हमको तकलीफ जरूर होगी उसके बाद हमारे चाहिए कि बिल्डिंग इम्यूनिटी रोग प्रतिकार क्षमता हमारा शरीर इतना मजबूत होना चाहिए कि किसी भी काइंड ऑफ बैक्टीरियल वायरल फंगल इंफेक्शन हो उसको वहीं के वहीं नो मतलब उसको गेट पे ही रोक देना चाहिए यहाँ पे स्किन पे अंदर नहीं जाना चाहिए हमारे बॉडी में क्योंकि फिर वहां तकरार होगी किसी तरह इसे हमारी इम्यून सिस्टम हमारी सिक्योरिटी फोर्स

आप देखोगे हमारे शरीर में हर पल न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है क्योंकि हर पल कही कहीं ना कहीं मेटाबॉलिज्म हो रहा है और हर मेटाबॉलिज्म की दो चीज होती है एक हमारे जो यूजफुल इंग्रेडिएंट्स जिससे हमारी एटीपी वगैरह जो एनर्जी बनती है दूसरा वेस्ट प्रोडक्ट जिससे हमारे यूरिन स्टूल और यू नो स्वेट बनता है तो ये जो तीन चीजें है ये शरीर ने अच्छा करना चाहिए डिटॉक्सिफिकेशन तभी शरीर शुद्ध रहेगा और वो हमको स्किन से पता चलता है कि जिसकी स्किन अच्छी रहेगी तो समझ जाओ उसके बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन अच्छा हो रहा है और लास्ट में है क्लेंजिंग हमारे जो सब चीजें है जो शरीर में स्रोत चैनल्स उस चैनल का साफ सफाई होना बहुत जरूरी है और यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट्स है डीएक्सएन के यहाँ सबसे बड़ा काम करता है अब यहाँ पे जो गेनोडोमा था हमारा ग्नोडोमा डिटॉक्सिफिकेशन और क्लेंजिंग करता था और उसकी वजह से ऑटोमेटिकली हम जो खाते थे पीते थे रहते थे हमारा बॉडी जो है ये रिज्यूनेट होता था वापस उसमें इम्प्रूव डाइजेशन हो जाता था एक इफेक्ट आता था कामिंग और हमको अच्छा लगता था अब जरूरत है कि ऐसी चीजों की जो हमें इसे और अच्छा बनाए तो वहां पे आयुर्वेदा सीरीज आता है लेकिन आयुर्वेदा सीरीज समझने के लिए आपको बेसिक तो उसके प्रिंसिपल समझने पड़ेंगे और वहां पे सबसे बेसिक प्रिंसिपल आता है कि हमारे तीन दोष लेकिन आप बोलोगे तीन दोष और मैंने सिर्फ यहां दो दोष दिखाए पित्त और कफा क्योंकि पित्त मतलब एसिड हमारे शरीर में और मैं आपको क्यों बताना चाहता हूं क्योंकि डीएक्शन पिछले तीस साल से यही सिखा रहा है कि एसिड और एल्कली आपका शरीर पित्तकारक हो जाता है इसीलिए तकलीफ में जाते हैं इसलिए आपको एल्कोलाइन फूड चाहिए एल्कोलाइन लाइफ स्टाइल चाहिए अभी सही मायने में अगर देखा जाए तो जिंदगी हमारी ऐसी है सब को पित्त के विकार ज्यादा हो रहे हैं और उसके वजह से तकलीफ भी बढ़ी हुई है तो पित्त और कफ इसको समझना बहुत जरूरी है एसिड और एल्कली एक गर्म और दूसरा ठंडा गर्म चीज और ठंडी चीज इन दोनों के इम्बैलेंस जब हो जाता है तब ऑटोमेटिकली एक चीज उत्पन्न होती है उसे कहते हैं हम वाता क्योंकि जब कोई चीज ज्यादा ठंडी होगी और कोई चीज कम गर्म होगी तो जो ठंडी चीज है वो ऑटोमेटिकली गर्म चीज के पास जाएगी ये नेचर का लॉ है और ये जो जाना है मूवमेंट जो शुरू होता है यहां पे निकलता है वात और इसीलिए जब भी भी ये पित्त और कफ इनका इम्बैलेंस होता है तो तीसरा जो दोष है जो एक्चुअली में समावस्था में होना चाहिए कहीं कुछ नहीं होना चाहिए वो बिगड़ जाता है और वात के व्याधि शुरू हो जाते हैं इसीलिए वात का आपको कैसे पता चलेगा वात में हमेशा आपको ड्राइनेस फिर आपको दर्द ये सब सिम्टम्स आपको वात के पता चलेंगे और ये सिर्फ ठंडे से कोल्ड में नहीं है अगर आप देखोगे गर्म पित्त अगर ज्यादा बढ़ गया है और कफ कम रहेगा तो भी यही प्रॉब्लम होता है वात निकलता ही निकलता इसलिए कोई भी बीमारी हो जब ये इम्बैलेंस होगा वात का आना बहुत ही नेचुरल है और जब वात बढ़ जाता है तो आदमी को तकलीफ हंड्रेड परसेंट बढ़ जाती है अक्सर लोग चिकित्सा वाद पे करते हैं वाद को चिकित्सा देने की कोशिश करते हैं लेकिन सही मायने में हमें इन दोनों को बैलेंस करते ही तीसरा खुद ब खुद बैलेंस हो जाता है और ये चिकित्सा अगर देखी जाए यहाँ पे हमारी जो सीरीज है मैं इसे बहुत सिंपल करने वाला हूँ फिर मैं सवाल जवाब के लिए खुलूंगा लेकिन यहां बहुत सिंपल कर दिए हमारे जो डीएक्सएम की अभी ये आयुर्वेदा सीरीज आई है ये एक एक जो वनस्पति हमने लिए है बहुत सोच समझ के लिए है ये जो हमारे सामने अभी दिख रहा है आपको अश्वगंधा इसे इंग्लिश में कहते हैं विथानिया सोमनी फेरा सोमनी मतलब नींद देना ये इतना है है इतना बल्य है कि आपके शरीर में जाके ये जो हमारा कफ और पित्त इसके बीच में जो तक हो रही है ये कहीं ना कहीं बिगड़ गए हो जिसके वजह से आदमी कमजोर वीक यू नो फीक फील करता है इसको जाके ये ठीक करता है इसीलिए इसको कहते हैं अडाप्टोजन ये दोनों को बैलेंस पे है अगर पित्त बढ़ गया है तो पित्त को ऑटोमेटिकली कफ को बढ़ा के पित्त को नॉर्मल लाएगा या पित्त को नीचे लेके या कफ बड़ा होगा तो कफ को नीचे लाके और थोड़ा सा पित्त को बढ़ा के ये दोनों को बैलेंस करता है और इसीलिए ये अगर नाम जैसा गया अश्वगंधा ये इसका खुशबू जो है उसके जो रूट्स जो यूज करते हैं हम लोग जो मूल उसके रूट्स का यूज इसी उसकी स्मेल है वो अश्व के मूत्र के गंध की तरह रहती है, है और इसीलिए इसके अश्वगंधा भी के लिए लेकिन इसे इंडियन जिनसेंग के नाम से भी जाना जाता है और जिनसेंग जिसको मालूम है ये चाइनीज में भी बहुत ही टॉप लेवल का ये रिजुविनेटर माना जाता है ये बल्य मतलब अपने शरीर के अंदर एक टाइप का क्या बोलते हैं एक ताकत दे देता है एक मतलब एक घोड़े जैसी ताकत आदमी के अंदर जाते काम करने की वो काम करने में थकता नहीं है और आदमी काम दो चीजों से करता है एक अपने दिमाग से और अपने शरीर से दोनों का सा... संतुलन होगा तई काम होगा तो ये जो है ये दोनों को करता है तो मैं सिंपल इसलिए कर रहा हूं तो ताकि लोगों को समझे कि ये सिर्फ बीमारी में नहीं लेना है हमें स्वस्थ हर रोज भी लेंगे तो हमको फायदा ही होने वाला है सबसे इंपॉर्टेंट फायदा इसका आपको कब दिखेगा कैसे पता चलेगा कि मेरे पे अश्वगंधा मेरे आरजीजीएल के साथ अच्छा काम कर रहा है सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर देखोगे तो इसके साथ जो आप जब अश्वगंधा लोगे तो आपको एक एक मिनट तो वी एक्सीडेंटली हम लोग आगे निकल गए ये हाँ। ये जो है ये हमारे शरीर में देखो शरीर को जब रिज्यूनेट होना होता है तो गाड़ी को मैकेनिक के पास जब लेके जाते हैं तो गाड़ी वहीं पे पड़ी रहती है और मैकेनिक उसे खोल के ठीक करता है हमारा जो नींद होता है नींद एक मैकेनिक के पास गई हुई गई हुई हमारी शरीर की तरह होती है शरीर हमारा जब सोता है तब हमारे शरीर के अंदर जो मैकेनिक्स होते हैं वो सब जय जो भी शरीर में टूटा फूटा होता है उसको रिपेयर करने लगते हैं और उसको वापस नया बनाते इसीलिए देखो उसका नाम भी विथेनिया मतलब ये इतना तुम्हारे शरीर के अंदर सिस्टम को जगाएगा आप सोओगे लेकिन सिस्टम जागेगा रिपेयर करने में और पूरी तरह आपको करेगा इसीलिए कहते हैं कि अश्वगंधा लेने वाला भले वो चार पांच घंटे की नींद भी लेगा लेकिन उसमें इतनी एनर्जी रहेगी दूसरे दिन काम करने की क्योंकि वो पूरी तरह उसका बॉडी है उसके जो मैकेनिक्स है पूरी तरह हंड्रेड काम करते और रिज्यूनेट होता है हर रोज यू नो वो बंदा नया बन के निकलता है और इसीलिए उसकी एक तो आयु भी बढ़ जाती है उसकी कर्म शक्ति भी बढ़ जाती है उसकी विचार करने की शक्ति बढ़ जाती है स्ट्रेस सहन करने की शक्ति बढ़ जाती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उसकी नींद जो है बॉडी का रिलैक्सेशन ये बहुत ही बेहतरीन होता है और इसीलिए ये शरीर कुछ समय के बाद इतना जल्दी गिरता नहीं है टूट नहीं जाता है ये घोड़े की तरह ताकतवर बन जाता है और कहते हैं कि देखो जिसका शरीर इतना ताकतवर हो जाए तो वो भी इम्यूनिटी ही कहलाता है तो क्योंकि शरीर का उतना स्फूर्त रहना उसके स्फूर्ति तो उसके पीछे अश्वगंधा जैसे वनस्पति का काम बहुत बेहतरीन होता है कि अपने को करीब मतलब एक ऐसा शांत कर देता है शरीर को कि खुद ब खुद ये शरीर जो है ये अपने आप को संभाल लेता है और यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप समझ लो कि डिएक्शन में हम नॉन इंटरफेरेंस कॉन्सेप्ट करते हैं हम लोग शरीर के Uh, जो प्रोसेस uh, है उसमें इंटरफियर नहीं करते हम सिर्फ उसको मदद करते हैं शरीर खुद ब खुद सो सकता है शरीर खुद ब खुद जाग सकता है तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो अश्वगंधा जो है ये बहुत ही पावरफुल uh, वनस्पति है और हमें आर जी जी एल के साथ अगर हम लेते हैं तो इसके बेनिफिट्स हमारे शरीर में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये बहुत ही बेहतरीन मिलते हैं हमारा जो अभी आ, हमारा ये डी uh, एक्स अश्वगंधा टैबलेट फॉर्म में आ रहा है फ्यूचर में हम लोग कैप्सूल में भी निकालेंगे और पिल्स में भी आने वाला है तो ये डेफिनेटली इतना बेहतरीन है कि आप करीबन अगर दिन में कम वो अगर ज्यादा नहीं खा सकते तो तो भी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा सो so, अच्छा uh, तो इट इज अ वेरी पावरफुल सप्लीमेंट ओके चलो हम नेक्स्ट uh, इस पे जाएंगे यहां पे किसी को यू नो विजय एनी क्वेश्चंस ऑन दिस और आई कंटिन्यू कंटिन्यू सिंस नो क्वेश्चन कुछ लोग डोजेस के बारे में हैं कितना लेना चाहिए वही मैंने बोताया मैंने अभी पूछा इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक एक हब होने के बाद मैं उस पर चाहिए तो एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो भी किसी के रहेंगे सवाल तो ये देखो ये क, हमने उस पर लिखा है अगर आप ले सकते हो तो दो गोलियां दिन में ले लो अच्छा होता है उससे ज्यादा भी ले तो नुकसान नहीं है लेकिन एक आ, मैं ये कहता हूं कि दो मिनिमम अगर आप लोगे फॉर एन अडल्ट बच्चे के लिए एक बहुत हो गया टीन के लिए तो एक दिन में या बच्चों बड़ों के लिए दो मिनिमम दिन में ले सकते हो और जिसका ज्यादा स्ट्रेस है ज्यादा वर्कआउट ज्यादा है स्पेशली यू नो पीपल हु आर इन फिजिकल एंड मेंटल वर्क उनके लिए अगर दिन में दो 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 छह भी लिया तो भी अच्छा है तो ये चेंजेस होता है चेंजेस होता है और फिर इसके साथ अनु अनुपान मगर जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको आप दूध के साथ लो तो उसके बेनिफिट अलग इसको आप अगर कोई पौष्टिक ड्रिंक के साथ लो जैसे नॉन इंजी हो गया हमारा ड्रिंक वो भी लेके उसके ऊपर ले लो तो हमारे और हीलिंग जो इफेक्ट है और भी अच्छा होगा स्पेशली अत्तड़ियों के हीलिंग में जिसके साथ आप कंबाइन करोगे वहां के मैकेनिक जागृत होंगे और वहां से रिपेयरिंग वर्क शुरू होगा ओके तो इसका मैं आपको बता रहा हूं कि ये मैं सिंपल कर रहा हूं

हाँ, हाँ, जो हाँ. जो पूछा जा रहा है वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है सर कि कुछ लोग कह रहे कि हमारे पास गेनोडोमा है तो फिर रेंज के प्रोडक्ट हम लेकर आ रहे हैं और एक सवाल इसमें ये भी है कि आ, क्या किसी को जैसे हार्ट अटैक हुआ है हार्ट की बीमारी हुई है क्या उसको ये दिया जा सकता है ये, तो ये दो क्वेश्चन में एक साथ पहला वाला सवाल जो है कि ऑलरेडी गैनोडोमा है तो बाकी की जरूरत क्या है देखो गैनोडोमा हर एक वनस्पति

फिजिकल वेलनेस और मेंटल वेलनेस के लिए काम करता है लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकली कुछ चाहिए तो वहां पे आते हैं सिंगल हर्ब्स हर्ब्स और यही खासियत है की कि आप इनको एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए यूज कर सकती हो इसलिए अश्वगंधा जो है जब हम हमारे रसायन के साथ मतलब गैनोडोमा के साथ हम ऐड करेंगे तो जबरदस्त कॉम्बिनेशन होता है देखो आयुर्वेदा डॉक्टर का सबसे बड़ा चैलेंज है कि उसको रसायन जो था या तो फिर उसको चवनप्राश या फिर यू नो बाकी के रसायन देना कहीं ना कहीं डिफिकल्ट होता था लेकिन आज की डेट में हमारे पास गैनोडोमा है जो रसायन जैसा काम करता है और रसायन जैसा ही उसका इफेक्ट है और पिछले तीस साल में ऑलरेडी दिखा दिया है कि रसायन जैसा कैसे काम करता है अब ऐसे रसायन जो काम अच्छा करता है शुद्धिकरण का शरीर को साफ करके उसके अंदर ही जान लाने वाला काम को होता है उसके बाद अगर उसमें अगर हम हमारे आयुर्वेदा के सीरीज जो सिंगल हर्ब्स डालते हैं तो स्पेसिफिक फंक्शन में बहुत ही हेल्पफुल होता है और दूसरा सवाल है क्या ये कार्डियक क्यूं को तो चाहिए, चाहिए, वाले कोई भी बीमारी हो इसलिए चूज किए हुए इसीलिए कहीं पे भी कोई रिपेयरिंग का काम होना बाकी रहेगा बॉडी में तो उस वहां पे आप गेडोम ग्यनोडम, सॉरी गेनोडमा के साथ मतलब आरजीजीएल के साथ ये जो हमारा अश्वगंधा ये डेफिनेटली यूज कर सकते हो कोई भी बीमारी डॉक्टर एक क्वेश्चन ये भी आया है तो, मैं दो तो क्वेश्चन के साथ ले रहा हूँ इसके अंदर आया कि बच्चों को लेके कैसे बच्चे भी ले सकते हैं और या फिर इसका लेने का समय क्या है दूध के साथ पानी के साथ या किसी भी समय ले सकते हैं खाना खाने के बाद इस तरीके कई कई प्रश्न हमारे दर्शकों के मन में आ रहे हैं तो उन्होंने पूछा है कुछ लोग इसको डोजेस की तरह बोल रहे हैं तो डोजेस आपने बताया कि आप इसको दो पर भी ले सकते हैं डिपेंड्स अपॉन योर नीड रिक्वायरमेंट जितनी आपको जरूरत है तो डॉक्टर ये बच्चों के लिए भी पूछा स्पेशली और साथ साथ इसके अंदर ये ये कि टाइम क्या दूध के के साथ के साथ पानी कैसे लेना है हाँ। तो ये इसके बारे में थोड़ा सा क्लियर करते हैं अभी अभी यहाँ पे हमारा स्किलफुल आदमी को अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है अभी जैसे बच्चों को बच्चे देखो न्यू न्यूली बॉर्न बच्चा या बहुत यंग बच्चा उसके बॉडी में इतनी भी खराबी नहीं होती जैसे नई गाड़ी को आप बार बार मैकेनिक के पास नहीं लेके जाते हो और जाने की जरूरत भी नहीं है वो वारंटी पीरियड में वैसे ही ऊपर वाले ने जब बच्चा होता है बच्चा कुछ फेज तक एकदम हेल्दी होता है उसमें उतनी टॉक्सिन भी नहीं जमा होते तो उसको उतनी जरूरत नहीं होती है लेकिन जैसे बच्चा स्ट्रेस लेने लगता है लाइफ के या फिर ज्यादा यू नो इंटरेक्शन होने लगता है बॉडी में उसके मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाते हैं जब उसके मतलब स्टूल यूरिन पसीना ये सब चीजें निकलने लगती समझ जाना बॉडी में अभी कहीं ना कहीं सिस्टम चालू हो गया जिस व्यक्ति के ये तीनों होने शुरू हो जाए तो समझ जाना बॉडी में मेटाबोलिज्म शुरू हो गया और टॉक्सिन भी निकलना शुरू हो गया अब इस गाड़ी को वक्त के साथ सर्विसिंग और मैकेनिक्स की जरूरत पड़ेगी ऐसे वक्त अश्वगंधा बहुत ही बेनिफिशियल है ये काम करने के लिए और जब मैं आप अगर पूछोगे बच्चों के लिए डोज उनकी उम्र के साथ दिया जाता है जैसे एक एक गोली है देखो गोली क्यों देते हैं हम लोग क्योंकि वो डोसेज को कंट्रोल करती है एक छोटा बच्चा हो करीबन पांच साल का छह साल का उसको आप एक गोली भी दे सकते हो क्योंकि वो मिनिमम पीडियटिक डोसेज होता है छोटा ही डोस होता है वो तो इसको आप दे सकते हो तो जैसे बड़ा हो जाता है उम्र के साथ तो आपका डोसेज होता है एक से दो दो से चार छ तक जाता है जैसे मैंने कहा कि एक व्यक्ति है जो उसको वेलनेस के लिए जनरल वेलनेस के लिए भी लेना है तो दो सुबह दो दोपहर दो शाम को भी ले सकता है अब यहाँ पे आयुर्वेद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अनुपान मतलब किसके साथ क्या ले रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप देखो कोई चीज यू नो जिसके साथ ले लोगे उसके जैसे आपको इफेक्ट मिलेंगे जैसे पित्त वाले व्यक्ति को अगर आप घी के साथ लोगे या फिर वजिन कोकोनेट आइल के साथ लोगे तो या फिर दूध के साथ लोगे तो उसके इन इफेक्ट जो है पित्त का शमन भी होगा और प्लस जो बल्य मिलना है ताकत मिलनी है वो उसके साथ वो मिलेगी अगर आप सपोज किसी को कफ की बीमारी है रेस्पिरेटरी इलनेस है तकलीफ हो रही है कफ का तो वो जब आप इसको फॉर एग्जाम्पल गर्म पानी के साथ ले लो या फिर हमारे डीएक्शन चाय के साथ ले लो या फिर कॉफ़ी के साथ ले लो तो उसके इफेक्ट जो है वो कफ शमन वाले होंगे और इस कफ की बीमारियों में उसका बेनिफिट होगा फॉर एग्जाम्पल किसी को वेट लॉस के लिए लेना है तो वेट लॉस के लिए आप हनी के साथ ले सकते हो या फिर आप यू नो नींबू पानी के साथ ले सकते हो आप उसको प्लस माइनस आप करो मैंने आपको टिप देने वाला हूं कि ये जाके रिपेयरिंग करेगा मैकेनिक की तरह और ये मैकेनिक हमारे शरीर के अंदर ही है सिर्फ उनको जगाने वाला काम ये जो है अश्वगंधा जाके करता है और वो जाके उठने के बाद वो अपना काम कब you uh, yes, yes, yes. तक ले सकते हैं जनरली क्वेश्चन हमको हर बार फेस करना पड़ता है कि क्या इसको लगातार लेते रहना है कितने दिन तक लगातार ले सकते हैं या है। बारे में थोड़ा सा क्लीफाई कर दीजिए ये देखो ये सिंगल हर्ब कैटेगरी में जाती है जो स्पेशली हमारे जैसे हल्दी हो गया या जिंजर हो गया ये ये भी तो हम हर रोज लेते हैं ना खाने में थोड़ा थोड़ा अमाउंट में ये उसी कैटेगरी में अगर हम थोड़ा हमारे डाइट में ये डालते हैं क्योंकि यूजुअली ये डाइट में आता नहीं किचन में क्योंकि कड़वा होता है बहुत ही कड़वा है इतना कड़वा है कि आप डाइट में डाल ही नहीं सकते हो तो कहीं ना कहीं ये जो कड़वा रस है जो हमारे डाइट में से मिसिंग है इसको रिप्लेस करने के लिए ये बहुत बेहतरीन काम करता है देखो इसीलिए इसको आप डेली अपने लाइफ में अगर आप रोज डालोगे इवन इन लिटिल फॉर्म तो ये बेहतरीन बेहतरीन काम काम करेगा काम करेगा डॉक्टर डॉक्टर एक सवाल शायद शक्ति कुमार सिंह काफी देर से हाथ रेस किया है विल करेंगे उनको जरा डॉक्टर शक्ति कुमार सिंह

ये जो होता है देखो जो भी वनस्पति हम लोग प्रोसेस करके बनाते थे मतलब उसका रस निकाल के या फिर उसके अः हम लोग भावना दे के बनाते हैं तो उसमें ऑलरेडी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं तो अक्सर ये जो होता है आपने खाली पेट भी लिया तो भी कोई नुकसान नहीं होता है कुछ वनस्पति होती है जिसे हमें खाने के बाद लेना पड़ता है वो स्पेसिफिकली होती है जो पित्त पित्त की तरह आपके शरीर में काम करती है लेकिन देखो जब कोई व्यक्ति कोई वनस्पति लेता है वनस्पति में में खुद 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 वो वो शक्ति होनी होनी चाहिए चाहिए जो खुद जाके अपने शरीर में, बिना मेरा अग्नि यूज किए पचन वरना वनस्पति का कोई पॉइंट नहीं वही वरना वो आहार हो गया क्योंकि आहार को शरीर की अग्नि की जरूरत होती है उसको पचाने के लिए लेकिन कुछ वनस्पतियां होगी स्पाइसी हो गया ये खुद अपने अग्नि के साथ आती है और हमारे अग्नि को प्रज्वलित करते करते अपने अंदर मतलब हम लोग बोलते हैं स्त्रोतों वो शरीर के स्त्रोत के अंदर जाके अपना काम करती है इसीलिए वनस्पतियों का जो गुणधर्म एक ही जो है ये खास है कि ये अगर जिसके अंदर अग्नि भी मंद हो गया है उसको जब आप वनस्पति देते हो जैसे जिसको कोई भूख नहीं लगती है कोई एनर्जी नहीं है कुछ नहीं उसमें डाइजेस्टिव कोई पावर ही नहीं है उसने भी अश्वगंधा लिया तो उसको भी वो उसी तरह लागू करेगा जिससे बाकी को क्योंकि वो उसको ये शरीर की अग्नि की जरूरत नहीं वो खुद अपने अग्नि के साथ आएगा

सो डॉक्टर कैरी ऑन प्लीज मैं please. मैं देखो मेरे मेरे ये ये लोग जो है ये सवाल पढ़ेंगे आप सवाल लिख दो चैट बॉक्स में अगर उनको लगता है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अच्छा सवाल है तो वो जरूर मेरे सामने लाएंगे और डरो मत ये जो नॉलेज मैं दे रहा हूँ बहुत सिंपल करके दे रहा हूँ जैसे मैंने बताया अश्वगंधा मतलब मैकेनिक आप ये बस इतना भी समझ लोगे तो आप किसी को भी आप ये दे सकते हो आप बिंदास दे सकते हो ये सिंगल हर्ब्स है कितने पूरी तरह सेफ है आप इससे कोई भी किसी को हानि नहीं पहुंच सकती है फायदा ही पहुंचेगा ओके सो वी गो टू द नेक्स्ट हब जो हमारा है ब्लैक क्यूमिन यू नो जिसे हम के यू नो साइंटिफिक नेम है इसका नाइजेरिया सत्ताइवा और इसे कुछ लोग कलोजी के नाम से भी जानते हैं इसे काला जीरक कहते हैं और देखो जीरक का गुण क्या है जीरक जो है ये पचन शक्ति को बढ़ाने वाला इसलिए मैंने पित्त दिया अग्नि को बढ़ाएगा अग्नि को बढ़ाएगा इसलिए शरीर में जहां भी कफ होगा बड़ा हुआ वो खुद ब खुद कम हो जाएगा अग्नि मंद हो गया रहेगा तो ये अग्नि को बढ़ा के आपका जो शरीर में क्योंकि अग्नि बहुत पावरफुल चीज है बोलते हैं कि अग्नि अगर शरीर में बढ़ गया तो शरीर में जो अपाचित आहार रस होता है जो पचा हुआ नहीं इसे हम कहते हैं आम जिसकी वजह से लोग काफी लोगों को जिनका अग्नि मंद होता है खाना खाते पचता नहीं है रस फिर भी वो रस शरीर में घूमता है उसके शरीर में आलस्य रहता है भूख नहीं लगती फिर भी जबरदस्ती खाते हैं अपना किसी तरह पेट भरने के लिए फिर बीमारी की वजह से कहीं तो मैकेनिज्म डिटॉक्सिफिकेशन शरीर नहीं हो रहा शरीर में गंदगी जमा होती है इन सबको पचाने के लिए जलाने के लिए आपको अग्नि की जरूरत होती है और वही अग्नि जब मंद हो जाता है तो बीमारी का कारण होता है कहते हैं कि ये कलोन्जी जो है ये अः काला जीरा या ब्लैक क्यूमिन इतना पावरफुल है कि आप बाकी सब छोड़ दो सिर्फ इस पे अगर ध्यान दिया इसमें इतनी पावर है कि अग्नि को जलाएगा और कहते हैं कि अग्नि जल गया तो बाकी सब जो बीमार होने, बीमारी कारण बीमार के बीमारी के कारण होते वो खुद ब खुद जल जाते हैं क्योंकि आदमी के अंदर देखो अग्नि आ गया तो एक ताकत आ जाती है एनर्जी आ जाती है क्योंकि हम बोलते हैं ना जिसके अंदर कितनी आग है वो सच में खुद ब खुद आग आ जाती क्योंकि देखो पित्त पित्त की वजह से हमारे चेहरे पे कलर आता है पित्त की वजह से हमारे बुद्धि स्मृति शक्ति ये बढ़ती है पित्त की वजह से हमारा आहार पचता है पित्त की वजह से हमारे जो हृदय और बाकी के जो ऑर्गन से ये काम करते हैं पित्त की वजह से हमारी इम्यूनिटी मतलब किसी को मारने के लिए भी पित्त यूज होता है इन्फ्लोमेशन आप जो देखोगे कि इन शरीर में जो इन्फ्लोमेशन आता है ये पित्त की वजह से आता है और पित्त हमारा बॉडी का प्रोटेक्टिव सिस्टम है तो पित्त को अगर हमको समझना है तो आप ये समझ लो कि जहां भी पचन आ गया वहां पित्त आ गया और पित्त की जरूरत सबको है कि क्योंकि आज अगर पित्त जो है वो विषम हो चुका है मतलब बिगड़ बिगड़ गया है और बिगड़, बिगड़ने की वजह से वो कहीं ना कहीं मतलब आप खाना पकाना चाहते हो गैस पे लेकिन आग जो है वो दस जगह फैल रही है तो खाना तो पकेगा नहीं दूसरी जगह नुकसान जो होगा वो हो रहा है वही प्रॉब्लम आज के डेट में हो रहा है पित्त की वजह से अगर कोई ऐसी चीज मिल जाए जो शरीर में पित्त को वापस समावस्था में ला सकता है अग्नि को सम कर सकता है तो वो है ये हमारा कलोंजी और ये बहुत ही पावरफुल चीज है जैसे मैंने कहा कि अकेला भी काफी है अपने शरीर में ये करने के लिए क्योंकि ये अगर बढ़ गया ये मतलब ये अगर आपने लेना शुरू कर दिया आपके अंदर अग्निवर्धन होगा अगर आपका जठरा अग्नि बढ़ गया तो आपका धातुवाग्नि बढ़ेंगे फिर रस अग्नि बनेगा रक्त मौसम इन सबकी अग्नि होती है क्योंकि एक धातु से दूसरा धातु बनता है दूसरे धातु से तीसरा धातु बनता है ऐसे करते करते आखिरी तक आपका ओझ जो बोलते हैं ना कि देख के आदमी की अंदर इसके अंदर बॉडी में ऐसी चमक लग रही है यार कुछ तो खास है इसमें जो ओझ है ये भी ये अकेला ये कर सकता है कलों की ताकत है इसमें तेल भी है देखो बीज है इसमें ओमेगा थ्री ओमेगा सिक्स फैटी एसिड्स भी है और बीज की एक खासियत होती है हर बीज में अपने आप को बचाने के लिए एक टाइप ऑफ ये होता है मतलब जैसे जमीन में जाने के बाद कोई कीड़ा उसको नहीं खा सकता वो उसमें से वो वहां रह के अंधेरे में बीच में ताकत होती है कि वो एक पेड़ को निकाल सकता है अंदर से तो उसके अंदर ऑलरेडी जो इम्यून यानी डिजीज फाइटिंग एंजाइम्स होते हैं या फिर रोग प्रतीक्षार क्षमता वाले जो तत्व होते हैं वो ऑलरेडी बीज में होते हैं और ये भी बीज कैटेगरी में आता है तो ये जीरा कैटेगरी में आता है और अग्नि वर्धन करता है और जो विषम हो गया वो पित्त ये सुधार देता है और कफ की बीमारियां हो पित्त की विकृत बीमारियां हो इन दोनों में काम करता है और बिकॉज ये पित्त को बढ़ाता है तो जहां पे भी वात होता है वात जहाँ क्योंकि वात मतलब कहीं ना कहीं वो चीज जहां डिस्टर्बेंस बढ़ गई है बॉडी के अंदर ठंडा और गर्म ज्यादा फर्क रहेगा तो तकलीफ होती जैसे है जैसे स्पेशली पित्त के विकार में लोगों को पित्त यहाँ रहता है लेकिन हाथ पैर ठंडे होते हैं तो वाद बढ़ जाता है और वाद बढ़ जाने की वजह से तकलीफ बढ़ जाती है जब ये अग्नि बढ़ जाता है तो अग्नि क्या करता है ये अग्नि सब जगह फैल के जो ठंडा हुआ शरीर उसको भी ठीक कर देता है फैला के और इसीलिए दर्द में काम आता है फिर अपचन में काम आता है फिर बुद्धि स्मृति शक्ति बढ़ाने के काम आता है रोग प्रतिकार क्षमता में काम आ जाता है फिर लाइन लग जाती है उसके बेनिफिट्स की लेकिन अगर सिंपल चीज बताए ये अग्नि को बढ़ाता है और अग्नि को बढ़ाते ही ये बाकी सब चीजें करता है इसीलिए अगर मेरे मुझे सिंपल इसमें करना है तो इसे मैं क्या बोलूंगा ये हमारा सिस्टम है जो हमारा पचन शक्ति है पूरे ऊपर से लेके नीचे तक जहां अग्नि का काम जरूरी है सबसे ज्यादा ये वहां काम करता है इसीलिए अतड़ियों पे काम करते ये पूरे शरीर को संभालता है इतनी ताकत इसमें है तो डेफिनेटली आप इसको ले सकते हो वापस मैंने जैसा कहा है इसमें डोसेज ऑलरेडी हर बॉटल में लिखा होता है दो दो गोलियां कम से कम भी अगर आपने ले लिया तो आपके शरीर में इसके बेनिफिट्स आपको दिखेंगे और इसका जैसे जिनको जिनको यू नो पित्त की बीमारी हो वो भी आराम से ले सकते हो लेकिन अः अगर आपको एसिडिटी होती है उसको लेने के बाद तो आप खाने के बाद लो घी से घी के साथ लोगे तो ज्यादा फायदा होगा क्योंकि घी खुद भी पित्त शामक है तो पित्त शामक होते हुए भी ये अगर आप डालोगे तो ये सही तरह से पित्त को बढ़ाएगा लेकिन पूरी तरह शमन नहीं करेगा तो आज की डेट में जो चिकित्सा होती है पित्त की शमन चिकित्सा होती है और पित्त ही कम हो जाता है तो उनकी पचन शक्ति भी कम हो जाती है हमको अग्नि को कम नहीं करना है हमको जो विषम हो गया वो अग्नि है जो पूरे जगह फैला हुआ उसको सही जगह पे लेके आना है ताकि सही जो शरीर का खाना है जो हमारे शरीर में है खाना मल बाकी जो भी टॉक्सिन्स हो उसको पचाने की शक्ति ये अग्नि कर सकता है सो आई होप ये वाला जो हमारा ब्लैक क्यूमिन है ये हर घर में होना चाहिए और स्पेशली लोग जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है

फिर मैं गया हूँ you know, अग्नि पे तो अभी एक एक, एक, एक पॉइंट कवर करते सो वी वी फिनिश डाइजेशन ओके जैसे जैसे मैं प्रोग्रेस हो जाऊंगा आपके कंप्लेंट्स आपको दिखेंगे आप अभी अगर किसी हब के बारे में जो मैं सिखा रहा हूँ उस पर को सवाल गया तो पूछ सकते हो अगर नहीं तो मैं कंटिन्यू करता हूँ फिर आप में एंड में सवाल ले सकता हैं क्या सारी एक साथ ले सकते हैं यस व्हाई नॉट इसीलिए तो बाय बाय एंड यू विल गेट टू नो कि ये सब जो है आप एक्चुअली में ले सकते हो जैसे आप हल्दी और जिंजर साथ में लेते हो उसी तरह ओके लेट्स गो टू द नेक्स्ट मैं खुश क्यों पता है क्योंकि मैंने इसे हम लोगों ने बहुत इसमें से करीबन तीस हब में से ये छह निकाले थे इसीलिए बहुत खुश होती खुशी होती है जब लोगों तक ये बात पहुंच जाती है हम लोग अच्छा अब आगे हम लोग ब्राह्मी के पास और बकोपा मनयोरी के नाम से ये जाना जाता है ये अगर सबको पता है ब्राह्मी मतलब ब्रेन के लिए ओके और इसके बेनिफिट है लेकिन अगर आप देखोगे ये जो है ये कफा पे ज्यादा अच्छा काम करता है और कफ का काम है पकड़ के रखना इसको, इसको मेंटेन करना ये जो हमारा शरीर टूटता रहता है बिखरता रहता है बार बार शरीर बिखरता है देखो पित्त इसको तोड़ता है और कफ इसको जोड़ता है ये दोनों का टूटना और जोड़ना ये काम चलता रहता है हमारे शरीर में बार बार स्पेशली जब स्ट्रेस आती है जब यहाँ से सिग्नल जाती है बॉडी में, तो शरीर टूटने लगता है ये जब ठीक होता है, तो शरीर जुड़ने लगता है तो माइंड और ब्रेन का काम बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे आता ही है हमारी ब्राह्मी ब्राह्मी देखो ये वर्ड जो है ब्राह्मी ये आया है हमारा जो खोज रहा है भारतीयों का कि ब्राह्मण जो अल्टीमेट चीज है जो हमारा अस्तित्व है इसकी खोज में निकले थे तो ये कहते हैं कि ऋषियों मुनियों का सबसे फेवरेट अगर कोई हर माना जाए तो ये था ये लोग इसलिए कहते थे कि इसको खाने से मन इतना शांत होता था क्योंकि मन तो एक बच्चे की तरह इधर उधर भटकने वाला ये करना है इसको खिला दो तो एकदम शांत हो जाता है इसीलिए इसको खाने से धी ध्रुति स्मृति मतलब बुद्धि फिर क्षमता बुद्धि की जो चीजों के बीच डिसीजन करना और याददाश्त ये तीनों सुधर जाती है इस, इसको लेने से इसे कौन ले सकता है इसे सभी ले सकते हैं प्रॉब्लम क्या है इसका वही टेस्ट का ही प्रॉब्लम है में इसे हमें वनस्पति की कैटेगरी डाल के उसको हमें रोज एज ए सप्लीमेंट लेना चाहिए जैसा जिसका प्रोफेशन हो वैसा उसने ये लेना चाहिए कम से कम वापस मैं यही कहता हूं कि दो गोलियां आप दिन में ले सकते हो आपका अगर प्रोफेशन ऐसा है जहा पे आपका स्ट्रेस ज्यादा है स्ट्रेन ज्यादा है तो आप इसको बढ़ा सकते हो और इसके अगर आप देखोगे बेनिफिट्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये आपकी जो नर्वस सिस्टम है ब्रेन क्योंकि हमारा सिर्फ यहाँ पे ब्रेन है ऐसा हमें लगता है लेकिन ये ब्रेन से निकलने वाले जो नशे तो पूरे शरीर में फैले हुए हैं तो अक्सर जो आजकल लोग सफर करते हैं साइकोसोमेटिक डिजीजेस ये क्यों होता है क्योंकि पूरा कहीं ना कहीं शरीर तो बीमार होता है लेकिन उसके साथ जो नर्वस सिस्टम है वो भी ट्रिगर होता है बीमारी के लिए और ये साइकिल में से आदमी कभी नहीं निकल पाता है जैसे आप कंडीशंस ले लो सोरियासिस ले लो फिर अर्थराइटिस ले लो ये सब कंडीशंस में ये जो हमारा ब्राह्मी आर के साथ अगर लाइन्स में जैसे मशरूम बाकी अगर डाल दे फिर हमारा नोन इनके साथ हम जब लेते हैं मे बी सिंपल थिंग लाइक वर्जिन कोकोनट ऑयल के साथ जब हम लेते हैं या घी के साथ लेते हैं तो इसके बेनिफिट जो है बहुत ही अद्भुत है और ये हमारे शरीर में स्पेशली हमारे नर्वस सिस्टम को काम करता है और जिसका शरीर कहते हैं जिसका मन शांत हो गया उसका शरीर खुद ब खुद शांत हो जाता है कहीं तड़पता नहीं है और इसीलिए अगर हमारे इंद्रियों को और हमारे मन को अगर शांत करना है तो ब्राह्मी जैसा सच में ऐसा दिव्य वनस्पति और कोई नहीं है ब्राह्मी अकेला ही बहुत लोग बहुत बेनिफिशियल है और आज की डेट में स्ट्रेस और स्ट्रेन तो सबको है इसीलिए डेफिनेटली अगर आप देखा जाओगे तो ब्राह्मी हमारा जो डीएक्शन का ब्राह्मी है आप इसको कॉम्बिनेशन में आप दे सकते हो खुद भी ले सकते हो अपने लिए बच्चों के लिए और सबके लिए बहुत ही सेफ है और बेनिफिट्स अमेजिंग है उसके और देखो ये सब सिंगल हर्ब्स है हम लोग सिंगल हर्ब्स दे रहे हैं कि ताकि आप प्लस माइनस कॉम्बिनेशन करो मेरा और डॉक्टर लिम का अभी एक सपना बन चुका है कि हर घर कहीं ना कहीं जो इतिहास में भारत की एक संस्कृति थी कि हर घर में एक दवाखाना होता था मतलब जो होते हैं ना डॉक्टर वैद्य क्योंकि वैद्य शास्त्र जो आयुर्वेद है ये जन सामान्यों का शास्त्र है उसके लिए कोई खास डिग्री की जरूरत नहीं प्रॉब्लम ये हुआ कि जो नॉलेज देने वाला हमारा सिस्टम था वो कहीं ना कहीं अब कॉलेज में सीमित हो गया है जब हम ये मूवमेंट कर रहे हैं हम ये मूवमेंट इसीलिए कर रहे हैं ताकि हर घर हर व्यक्ति ये वनस्पति की गुणों धर्मों को समझे और अपने घर में कहीं ना कहीं छोटा सा इना सेल्फ हेल्प के लिए प्लस आजू बाजू के लोगों को हेल्प करने के लिए एक Uh, एक छोटी सी मैं बोलू डिस्पेंसरी जैसे आयुर्वेदिक जैसे हम लोग आंवला हो गया ये हो गया जैसे आज भी गाँव में होता है कि कुछ हो गया तो जड़ी बूटियां निकाल के दे देते हैं बीमारी को मैनेज करते हैं हम भी वही सोच रहे क्योंकि ऑलमोस्ट अराउंड सेवेंटी टू एट्टी परसेंट ऐसी बीमारियां हैं जो घर के किचन में से एक छोटा सा अगर हमारे पास वनस्पतियों का एक बॉक्स हो उसमें हम ठीक कर सकते हैं यहाँ इतना तड़पने की जरूरत नहीं है सो so, इसमें ब्राह्मी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करेगा ठीक है सवाल नहीं है इसलिए मैं आगे जाऊंगा अगर है तो मुझे जरूर रोकना सो so नेक्स्ट अगर हम जाएंगे तो हमारे पास है हमारा नेक्स्ट कॉडिफोलिया या गुडुची और अगर इसकी बात करें तो इसने तो अभी कोविड में तहलका मचा के रखा था इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है जो ये लोग ये कहते हैं कि ये रोग प्रतिकार क्षमता को बढ़ाता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये दोनों वाथो, या सॉरी पित्त हो या कफ हो ये दोनों को बैलेंस में लाता है कोई भी इसमें से दोनों बच्चे अगर बिगड़ गए हो उन दोनों को सुधार देता है और इसीलिए जब ये दोनों सुधरते हैं तो वात जो है खुद ब खुद बैलेंस हो जाता है इसीलिए कहते हैं कि कोई भी बीमारी हो ओके देखो हमको जब सर्दी खांसी होती है तो ये गुड़ुची सर्दी खांसी में भी हेल्प करती है और अगर अल्कोहल पी के या पित्त की बीमारी हो उसमें भी गुड़ुची काम करती है दोनों में काम करती है और दर्द वगैरह हो जिसकी बात की वजह से जब ये दोनों इंबैलेंस होते हैं उसमें भी गुरुची काम करती है टेक्निकली ये दोनों दोषों पे काम करती है इसलिए टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये तीनों दोषों पे काम करती है बहुत ही बेहतरीन है इसको ये बताया गया कि सूक्ष्म पचन करने वाली मतलब ये स्त्रोतसो के अंदर जाके ये स्त्रोतोवाही है ये छोटे छोटे जगह पे जाके शरीर के वहां पे पचन करती है इसीलिए हमारा जो आप बोलते माइक्रो सर्कुलेशन बढ़ जाता है हमारी जो आ, आंतरिक पचन शक्ति है धातु धातुओं के अंदर जो अग्नि जानी चाहिए ये मार्ग इतना क्लीन कर देता है कि अग्नि वहां तक पहुंच सकती है और हर आ, शरीर के जो आम है जो अपाचित आहार रस जिसको बोलते हैं उसको भी ये पचा देता है और उसको ठीक करता है गुडुची के गुणों में बहुत सारे गुणों में एक है कि ये जब शरीर की गंदगी निकल जाती है शरीर के अंदर खुद ब खुद एक रोग प्रतिकार क्षमता उत्पन्न होती है कि ये रोगों से लड़ सकता है इसकी पित्त शमन करने की और कफ के शमन करने की जो एबिलिटी है बहुत ही अद्वितीय है ये एक बेल है और ये बेल जब हम इसकी ये जो ब्रांचेज कट करते हैं उसको उबाल के जो उसका ये सत्व निकालते हैं उसको गुरुची सत्व कहते हैं अभी यहाँ पे हमने जो गुरुची यूज किया है वो बेसिकली उसी टाइप का है उसको हमने भावना द्रव्य अगर आप देखोगे हर हमारे जो डीएक्सएन के प्रोडक्ट के ऊपर वो बेसिक इंग्रेडिएंट है उस पर भावना दी हुई है उसका ही एक्टिव एक्सट्रैक्ट डाला हुआ है तो उसका पोटेंसी हमने बढ़ाया है इसलिए आप जो मार्केट का गिलोय हो और इसमें बहुत है। तो ये जो है ये जो स्पेशली अगर आप आरजीजीएल के साथ देते हो कोई भी इंफ्लेमेटरी डिजीज हो कोई भी कंडीशन हो इसमें इसका जो इफेक्ट है आरजी का इसको एक बूस्टर मिल जाता है और ये बूस्टर मिलने के बाद जो हमारा गेनाडमा का काम था गिलोय के आते ही डबल बेनिफिट मिलता है स्पेसिफिक रीजन के लिए और इसीलिए इसका समावेश आप हर एक को दे सकते हो कोई भी हो इस सबके लिए लागू है और गिलोय के बारे में मुझे लगता है आप इंटरनेट पे जाओ आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलेगी अगर सिंपल भाषा में बोला जाए गिलोय के फायदे तो मैं आपको एक चीज बता सकता हूँ कि ये जो है ये हमारे ओवरऑल शरीर के अंदर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है और इम्यूनिटी मतलब कैसे पता चलेगा मेरा बॉडी इम्यून हो चुका है एक अलग सी खुशी मिलने लगती है अचानक सब कुछ अच्छा अच्छा लगने लगता है मतलब कहीं से भी डर नहीं लगता है बॉडी बॉडी चेहरे पे आता आता है में आता है में कि सब कुछ सही है और वो होता है कि हमारा बॉडी अभी कहता है कि आप पूरी तरह अंदर से साफ हो स्वस्थ हो और आपके चेहरे पे वो दिखने लगता है यू नो जैसे कांच एक बार साफ हो गया तो आर पार दिखता है उसी तरह जो हमारा अंदर का आनंदमय कोशम जिसको बोलते हैं खुशी वो जब ये गुरु जी जाके जब शरीर को पूरी तरह क्लीन करती थी ये जो डिटॉक्सिफिकेशन करना है न्यूट्रलाइजेशन करना है पित्त और बाद कफ को शमन करना है और स्पेसिफिक जो इसका काम है वो करते ही एक अलग सी बॉडी में एक इम्यूनिटी बिल्ड हो जाती है जिसमें पारदर्शिता दिखती है और एक अलग खुशी महसूस होती है तो ये है आ, हमारे गिलोय के फायदे और गिलोय अभी ये सीजन स्पेशली कोविड में आ, बहुत ही बेनिफिशियल है और ये आप जिनको कोविड हो चुका है उन्होंने भी अभी भी लेना चाहिए क्योंकि इन्फेक्शन पोस्ट इन्फेक्शन के बाद भी जो ब्रोंकाइटिस और यू नो ब्रॉन्टिस के जो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते हैं लंग्स में जब इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाती है तो उसके वजह से जो आगे चल के तकलीफ होती है अस्थमा बिस्तमा की इसको अगर आपको बचाना है तो इसको अभी भी आपको कंटिन्यू करना पड़ता है करीबन साल भर तक आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा और मुझे ऐसा लगता है कि गिलोय आने से हमारे जो आयुर्वेदा के सीरीज में एक सबसे पावरफुल वेपन आया है जो हम हमको अलग क्यों करता है ये क्योंकि हमारे पास गैनोडोमा आरजीजीएल भी है और उसके साथ गिलो आ गया कॉम्बिनेशन ही सुपर है सुपर कॉम्बिनेशन है तो आरजीजीएल ले लो दो दो, -दो या चार चार कैप्सूल उसके साथ गिलोय की दो दो गोलियां चार चार गोलियां अगर आप साथ में लेते हो तो बेनिफिट जबरदस्त बेनिफिट मिलेंगे ओके सो हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आ, हमारा जो प्रोडक्ट है वो है हमारा नीम जिसे अजा डा इंडिका के नाम पे कहा जाता है और इसकी भी एक खासियत है देखो ये भी दोनों कफ और पित्त ये दोनों को बैलेंस करता है और मैं क्यों बताना चाहता हूँ ये दोनों की फायदे ये दोनों को बैलेंस करता है क्यों और क्या इसका फायदा क्या है कि पित्त का भी शर्मन करता है कफ को भी ठीक करता है कैसे क्योंकि इसकी खासियत ही वैसी है अब हर वनस्पति का उसका एक खासियत होता है गुणधर्म होता है और उसको उस गुणधर्म की वजह से हमारे ऋषियों मुनि ने उसे किसी न किसी कैटेगरी में डाला है तो नीम जो है नीम की जो खासियत है ये शरीर के जो गंदगी होती है शरीर में जो क्लेंजिंग प्रोसेस होता है इसमें हेल्प करती है इसलिए नीम कहते हैं देखो हम दांत दाँत भी नीम से घिसते हैं फिर चेहरा भी साफ नीम से करते हैं नीम तो बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन में हम लोग उसके पानी से नहाते हैं नीम के बहुत गुण हैं और इसकी सबसे बड़ी चीज है यह इंफेक्शन से हमको प्रिवेंट करता है ये हमारे शरीर को शुद्ध करता है तो नीम अगर आप देखा जाओगे तो इसको भी आप अनुमान अनुपान के साथ लेना चाहिए जिसका शरीर ड्राई है क्योंकि ये नीम खुद भी ड्राई होती है और इसको आप वर्जिन कोकोनट ऑयल के साथ ले सकते हो और अगर आपका शरीर ऑयली है तो आप डायरेक्टली ले सकते हो कोई जरूरत नहीं है उसको चेंज करनी है इसका इफेक्ट नीम का कहां पता चलता है जब शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन होने के बाद पहली चीज आपको दिखती है स्किन पे नीम अंदर जाएगा लेकिन चेहरे पे आपको बाहर उसकी इफेक्ट दिखेंगे चेहरा पूरा क्लीन होने लगता है लोग आज इसके बेनिफिट्स को लेके लोग उसका फेस वॉश और ये बनाते हैं लेकिन टेक्निकली अगर देखा जाओ तो नीम का सबसे बड़ा बेनिफिट है इंटरनली क्योंकि ये इंटरनली जाके स्त्रोतस शोधन करता है ये साफ कर देता है पूरे जितने भी चैनल से पूरे चैनल को साफ कर देता है और उसका जो इफेक्ट है आप जो खाते पीते हो वो चेहरे पे दिखना शुरू हो जाता है Especially हमारा जो RGGL, इसके अगर आपको इफेक्ट तो आप नीम ले क्योंकि नीम जो है ये पूरी तरह शरीर को शोधन करेगी डिटॉक्सिफाई करेगी ऑलरेडी आरजीजीएल हमारा डिटॉक्सिफिकेशन करता है नीम का साथ मिलते है तो डबल बेनिफिट स्पेसिफिक फंक्शन अगर आपका रहेगा उसके साथ आप ले सकते हो अभी जिसने सवाल पूछा था कि पिंपल पे क्या करे ऑयली स्किन है यहाँ पे काम करेगा आपका ये हमारा आरजीजीएल के साथ नीम और नीम आप ले सकते हो डिपेंडिंग रोज भी ले सकते हो जैसे दतुन रोज करते थे लोग नीम से उसी तरह आप दो कैप्सूल दो टैबलेट्स आप दिन में ले सकते हो अगर आपको लेना है तो आप इसको यू नो दिन में तीन बार भी ले सकते हो इसके नुकसान नहीं है फायदा ही है आपके लिए और आपको कोई भी अगर ऐसा तकलीफ हो स्पेशली स्किन की कंप्लेंट हो या फिर यू नो डायबिटीज हो या कोई भी ऐसी बीमारी जिसमें आपको आ, आपके आ, शरीर को शुद्ध करना पड़े तो सबसे सिंपल चीज़ अगर शुद्धिकरण मतलब पंच करने पंचकर्म करने की जरूरत भी नहीं है शमन चिकित्सा से भी आप इसकी तरह बेनिफिट ले सकते हो और वो है नीम का सेवन करके और नीम जो है डी की हमारी जो नीम है ये भी बहुत ही पावरफुल है तो स्किन स्किन की हेल्थ के लिए अंदर से अगर आपको कुछ चीज लेना है तो हमारा जो नीम है डीएक्सएन का नीम ये बहुत ही पावरफुल काम करता है तो न... प्रश्न है यस यस एक बवाल है उन्होंने एक प्रश्न पूछा है उनकी मदर अ, को है राइट साइड में उनका स्टोक का स्टोन के कारण ऑपरेट हो चुके हैं तो अब वो पूछ रहे थे कि किस तरीके से आपके आयुर्वेदा सीरीज के प्रोडक्ट क्या उनकी मदद कर सकते हैं क्योंकि उनके लिए फायदेमंद हो तो लिए फायद सकते हैं ओके सो पहले तो इंसिजनल हर्निया है ओके वो क्यों हो रहा है क्योंकि अंदर की जो अतड़ी में कहीं ना कहीं अतड़ी बाहर आना चाहती है वहां पे प्रेशर की वजह से तो सबसे इंपॉर्टेंट ऐसे व्यक्ति को है देखो हम कभी क्लेम नहीं करते कि जो सर्जरी आप अवॉइड करो जब जहां पे सर्जरी क्लियरली मेंशन किए कि ये जरूरी है तो हमको करना ही पड़ता है लेकिन अगर हम कहीं ना कहीं देखो चप्पल टूट गया तो चप्पल को सिलाना जरूरी होता है लेकिन अगर आपको पता है कि अगर टूटी है तो मैं चल भी सकता हूँ लेकिन मुझे संभल के चलना पड़ेगा तो आदमी संभल के चल भी सकता है मतलब उसको पोस्टपोन कर सकता है उसको अवॉइड भी कर सकता है अगर सही किया तो स्पेशली जबकि बॉडी में एक रिपेयरिंग मैकेनिज्म होता है ये जो हर्निया वाले पेशेंट होते हैं इनको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी जो अतरिया वहां पे प्रेशर नहीं होना चाहिए ना खांसी की बीमारी होना चाहिए ताकि प्रेशर आए ना पेट कॉन्स्टिपेशन नाम की चीज होनी चाहिए ना गैस होना चाहिए उनका जो सिस्टम है हर रोज एटलीस्ट दो बार क्लीन होना चाहिए वहां पे हमारे जो वर्जिन कोपोडॉल हो गया विथ त्रिफला ये बहुत काम करता है मैं आगे बोलूंगा इसके बारे में और जो इनका ये गॉल ब्लैडर की जो ऑपरेशन हो चुका है तो कहीं ना कहीं ये इनके शरीर में पित्त की जो पित्त बढ़ता है और पित्त बढ़ने की वजह से शरीर में जो ड्राइनेस हो जाती है स्टोन फॉर्मेशन होता है ये इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपके पास इतने सारे प्रोडक्ट है जैसे फॉर एग्जांपल आप वर्जिन कोकोनट ऑयल के साथ आप गुडुची ले सकते हो आप अश्वगंधा ले सकते हो ओके okay? तो ये ये चीजें आप प्लस माइनस कॉम्बिनेशन में ले सकते हो अः कैसे फायदा होगा ये तो आप एटलीस्ट अ पीरियड ऑफ एक महीना दो महीना लेके देखो शरीर कैसे एक्सेप्ट करेगा ये तो हम लेने के बाद ही पता चलेगा तो लेकिन यस इसके ये गुणधर्म है ग्रंथों में लिखा हुआ है ढाई हजार तीन हजार सा, तीन साल पहले से लोग यूज करते आ रहे हैं आज हमारे हाथ में है हम भी यूज करेंगे उन तीन हजार सालों की इतिहास को अम, बिलीव करते हुए भरोसा करते हुए उस इतिहास पे आयुर्वेद पे हम यूज करेंगे हम अनुभव करेंगे और फिर अनुभव करने के बाद ही हम उसको कन्फर्मेटरी बोल सकते कि कैसे बेनिफिट हुआ है तो डेफिनेटली हमारे प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन के साथ आप ले सकते हो और उसका बेनिफिट आपको ज्यादा दिन दिन रुकने की जरूरत नहीं एक या दो हफ्ते में ज्यादा से ज्यादा दो हफ्ते में लोगों को पता चल जाता कि कि है कि कितने बेनिफिट्स है तो इफेक्ट हमारे स्पीड बढ़ जाती है बहुत जल्दी बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है थैंक यू डॉक्टर ओके सो वी गो नेक्स्ट फ्रॉम हियर वी गो टू आर लास्ट आई थिंक सो दिस इज त्रिफला ये अब तक लोगों को लगता था सिंगल हब है नहीं लेकिन ये यहाँ ये एंट्री लेवल है कॉम्बिनेशन हर्ब्स की जो फ्यूचर में आने वाले बहुत सारे आयुर्वेदिक हमारे कॉम्बिनेशन है जो ग्रंथों में लिखे हैं उसके भी हम लोग फ्यूचर में आने वाले जैसे कफ सिरप आएगा फिर हमारे जोड़ों का दर्द के लिए अलग से कॉम्बिनेशन आएंगे ये फ्यूचर में आने वाले लेकिन उसका बेसिक अगर आप देखोगे बेसिक कॉम्बिनेशन जो आयुर्वेद में बताया गया है जहाँ वनस्पतियों के साथ में मिला के कुछ खास बनाया गया वो है त्रिफला इसमें आंवला भेड़ा और हरितकी ये तीनों को मिला के ये बनाया गया आंवला जो है ये पित्त को कम करेगा मतलब उसको बैलेंस करेगा और भेड़ा जो है ये अगर कफ है कफ को कम करेगा पित्त को अगर कम हो गया तो उसको बढ़ाएगा और हरितकी जो है इन दोनों की वजह से जो वाद बढ़ जाता है या कहीं इम्बेलेंस हो जाती है तो उसको मेंटेन करने में ये हेल्प करता है ये दोनों को संभालता है हरितकी वात की पित्त की वजह से बड़े हुए वात को या कफ की वजह से बड़े हुए वात को दोनों को संभालता है तो इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है बहुत ही अद्भुत है इसीलिए कहते हैं कि आ, कि सिर्फ त्रिफला खाने से आप अपनी उम्र 100 साल तक तो खींच सकते हो इतना ताकत है इसमें कि त्रिफला खाने से हमारी अतड़िया साफ रहती है हमारे तीनों दोष जो है ये हमेशा समावस्था में रह सकते हैं और त्रिफला अकेला एक ऐसा पावरफुल कॉम्बिनेशन हो सकता है कि जो सभी बीमारियों का बेस बन सकता है कि बीमारी को ठीक करने के लिए बेस और इसके साथ अगर आप कोई भी और वनस्पति देते हो तो बेहतरीन इसीलिए हम कोई भी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर होता है ना वो पहले अतडिया साफ करने के लिए एक लैगेटिव देता है एक ऐसी चीज देता है जो पेट साफ करे उसके साथ वनस्पति भी देता है दवाई भी देता है यहाँ हमारे पास डीएक्शन में यू नो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता था कि लोगों को जब रिफ्लेक्शन होते थे तो उनको पता नहीं चलता था क्या करना चाहिए जब जहाँ कॉन्स्टिपेशन होता था आरजीजीएल से लेते वक्त तब हमको पता चलता था कि बॉडी ही ड्राई है तब हम बोलते थे वर्जिन कोकोनट ऑयल लो लेकिन अब त्रिफला आने से क्या हुआ है हम आरजीजीएल तो बोल रहे हैं हम बोलते हैं वर्जिन के साथ दो रात को आप त्रिफला भी लेना तो उससे क्या होता है बॉडी जो क्लीनिंग है मैकेनिज्म डिटॉक्सिफिकेशन को और भी हो जाया जाता है अच्छा डिटॉक्सिफिकेशन जो नीम करता है वो स्रोतों में जाके वहां से साफ करता है ये अतड़ियों से पूरा निकाल देता है और ये अतडिया पूरी क्लीन कर देता है तो डेफिनेटली इसकी जो बेनिफिट्स है ये बहुत ही अद्भुत है और अगर सिंपल इसमें कहा जाए तो ये हमारे जो गट है सबसे बड़ा जो हमारा आशय है ये पकवाश इसको पूरी तरह साफ कर देता है मेंटेन करता है उसका हेल्थ और जैसे हम हर रोज हमारे घर में झाड़ू लगाते पोछा लगाते हैं मैं तो ये मानता हूँ कि ये वो वाला काम करता है कि हमारे शरीर के अंदर जो हम खाते पीते हैं कहीं ना कहीं कोई भी टाइप की गंदगी ना रहे और हर रात को मिनिमम एटलीस्ट दिन में एक बार हर रात को अगर कोई अडल्ट दो त्रिफला की गोलियाँ खा लेता है गर्म पानी के साथ या फिर हमारी गर्म चाय के साथ उसके जो बेनिफिट्स है उसको बहुत ही अद्भुत मिलेंगे और ये हर कोई बीमारी हो कोई भी बीमारी हो कैसी भी बीमारी हो कहीं ना कहीं जो टॉक्सिंस होते हैं उसकी वजह से इसका बेस है ही तो इसको आप लेंगे तो उसके आपको बेनिफिट्स जबरदस्त मिलेंगे तो ये त्रिफला की ताकत है त्रिफला आपको वो बेनिफिट्स दे सकता है तो इसको आप हर एक व्यक्ति खा सकता है और अतियों की प्रॉब्लम सबको थी अब तक हम लोग मांग रहे थे कि है हमारे पास अभी एक नेचुरल आयुर्वेदिक आ गया है सिंपल वाला आपको उसका प्लस और माइनस इफेक्ट चाहिए तो तो आप वर्जिन कोकोनट ऑयल ऐड कर दो तो आपको और बेनिफिट मिलेगा मतलब अगर आपको कम चाहिए तो आप एक एक ही त्रिफला की गोली खाओ खाने के बाद आपको समझेगा आपका कोस्ट कैसा है किसी किसी को छ छे आठ आठ गोलियां खा के भी पेट साफ नहीं होता और किसी की एक गोली खा के भी हो जाता है हर एक प्रकृति पर्सन की प्रकृति अलग होती है और इसीलिए आपको अपना डोसेज खुद डिसाइड करना है लेने के बाद इफेक्ट में बताऊंगा कि आप लेने के बाद आपकी जो मोशन है मोशन सुधरने चाहिए और अगर वो हो रहा है तो उससे बेहतरीन कुछ नहीं है तो डेफिनेटली आप इसको कॉम्बिनेशन में ले सकते हो और अलग अलग कॉम्बिनेशन में ले सकते हो स्पेशली अगर आपको देखो अभी यहाँ पे खेल ऐसा होता है कि जिसको स्ट्रेस है वो त्रिफला के साथ ब्राह्मी ले सकता है अश्वगंधा ले सकता है जिसको डायबिटीज है वो गुडुची के साथ नीम और त्रिफला ले सकता है ये प्लस माइनस आपको कॉम्बिनेशन करना है तो ये जब आप कॉम्बिनेशन करोगे तो आप एक्चुअली चिकित्सा में मदद कर रहे हो उसकी कोई भी चिकित्सा चलने दो मॉडर्न साइंस के हिसाब से या आयुर्वेदिक या होम्योपैथी या कोई भी कहीं ना कहीं ये जो सिंगल हर्ब्स का कॉन्सेप्ट है ये आप उनके लाइफ में डाल दो कहीं ना कहीं डिसिप्लिन आ जाती है क्योंकि बाकी जो दवाइयां है आप एक पीरियड के बाद ले नहीं सकते एक महीना या पंद्रह दिन ये ले सकते हो लेकिन ये जो सिंगल हब है ये हमारे आहार में हम डाल सकते हैं हम डेली ले सकते हैं जैसे हम गैनडोमा लेते हैं फॉर स्पेसिफिक पर्पज आप डेफिनेटली इसे ले सकते हो ओके okay? तो ये ये बेसिक हमारा बेनिफिट है जो आ, हमारे आयुर्वेदा सीरीज के है और टू एंड विथ मतलब त्रिफला तो टू समराइज अगर मैं समराइज करूँ ये हमारे जो छह सीरीज है मुझे ज्यादा डिटेल नहीं जाना है क्योंकि डिटेल आपको इंटरनेट पे मिलेगा मुझे इसे सिंपल करना था इसलिए जो छे है अगर इसको सिंपल करना है तो हमारा जो अश्वगंधा है ये रिज्यूनेट करेगा हमको वापस तैयार करेगा मैकेनिक की तरह रिपेयर करेगा हमारा जो ब्लैक क्यूमिन है ये हमारे अग्नि को वर्धन करेगा जो हमारा ब्राह्मी है ये हमारे मन को शांत करेगा जो नर्व्स को शांत करेगा हमारा गुड़ूची जो है ये हमारी इम्यूनिटी को मेंटेन करेगा बिल्ड, बिल्ड अप करेगा जो हमारा नीम है डिटॉक्सिफाई करेगा अंदर की स्रोतों को शोध करके साफ करेगा और लास्ट में त्रिफला जो क्लीन करेगा अब अगर आप सिंपल इसमें देखा जा देखोगे यही तो है हेल्थ इसी में इसी से तो इम्यूनिटी बढ़ती है इम्यूनिटी का सिर्फ एक पार्ट नहीं ये पूरा चाहिए ये सब जब रहेंगे तभी आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी तभी आप स्वस्थ माना जाओगे सिर्फ एक चीज से नहीं इसलिए ये जो छः के छह है लोग ये पूछते कौन सा खाओ मैं बोल रहा हूँ तो कॉम्बिनेशन से आपको ये मिल सकता है आप लोग ये पूछते कि नहीं इसे रोज खाओ टेक्निकली स्टार्टिंग को एटलीस्ट थ्री मंथ्स आपने रोज खाना चाहिए किसी ने मुझे पूछा कि इसे बाकी सब साथ में ले सकते हैं क्यों नहीं ले सकते इसके बेनिफिट्स ही इतने अच्छे हैं क्योंकि अगर आप आयुर्वेदिक मेडिसिन देखो आयुर्वेदिक मेडिसिन में हम लोग तीस तीस वनस्पति डाल के एक द, एक गोली बनाते हैं लेकिन हमारे पास है हम प्लस माइनस करके हम ले सकते हैं और इसको प्लस माइनस करने की युक्ति मतलब उस बुद्धि के हिसाब से हमको लेना है कि आज मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लिया या मेरा जॉब ही ऐसा है तो मेरे यू नो कहीं ना कहीं जो सिंगल हर्ब्स हैं ब्राह्मी का होना जरूरी है अश्वगंधा का जरूरी है ये तो मुझे समझ में आता है मेरा स्किन ड्राई है कहीं ना कहीं यू नो क्लेंजिंग होकर मुझे वर्जिन कोकोनट ऑयल भी डालना जरूरी है ये तो ये जो है स्किन मेरे पिंपल्स आ रहे हैं मेरे इधर यू नो ब्लीडिंग होता है रेड रेड पैचेज आते हैं स्किन इन्फेक्शन हो रही है सोरिया हो रहा है ये हो रहा है तो मुझे कहीं ना कहीं ब्राह्मी जो स्ट्रेस अगर रहेगा अश्वगंधा या फिर मुझे नीम तो लेना ही पड़ेगा स्किन के लिए तो ये जो कॉम्बिनेशन से ये प्लस माइनस आपको करने पड़ेंगे क्योंकि आज आपके पास छह हैं मैं आने वाले इसमें करीबन साठ और देने वाला हूं आपको हर चीज वेरी वेरी सिंपल वे में आपको प्लस माइनस करके लोगों तक पहुंचानी है और फिर आप देखोगे कि आप एक्चुअली टेक्निकली एक छोटा सा एक हीलिंग सेंटर बोल सकते हो आप खोल सक रहे हो कि आप जाके लोगों को बता रहे हो इसके बेनिफिट्स और आप लोगों को फायदा हो रहा है तो सिंपल सिंपल चीजें हैं सो टू कीप इट सिंपल दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर लेकिन अगर किसी को कोई सवाल है आई एम रेडी टू टेक डॉक्टर प्रश्न आपका इसी क्लिनिक के ऊपर है uh, जैसे आपने बताया कि कुछ लोग पूछ रहे सर देखो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है हम डॉक्टर नहीं है तो हम इस प्रोडक्ट को क्या मार्केट में कर सकते हैं किसी को खाने के लिए ओवर द काउंटर है, 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 है आयुर्वेद ये भारत की संस्कृति का एक भाग है और ये भाग ये है क्योंकि मे को मार्केट में आंवला जब मिलता है मैं आंवला खरीद के लेके आता हूँ उसका जूस बना के पीता हूँ पित्त के लिए मुझे इसके लिए किसी डॉक्टर के वैद्य की जरूरत नहीं है ये ये आप देखो जहां पे रस औषधि आ जाती है जहां पे प्रोसेस औषधि आती है जहां पे प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आता है वो पूरा तरह अलग है ये सिंगल हर्ब्स है इसीलिए सिंपल सिंपल वनस्पतियों का सेवन करने के लिए आपको किसी की जरूरत नहीं होती है सिर्फ हमको नॉलेज की जरूरत होती है हाँ दवाई जो होती है जो प्रोसेस करके बनाते हैं जो रस औषधि हो गया फिर इवन अः भैसपना से बनाई हुई वल, अलग अलग वनस्पतियां हैं जहाँ उस पर लिखा होता है कि आपको ये अंडर मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन लेना पड़ता है वो चीजें जो होती है वो आपको डॉक्टर का जरूरत होता है वरना इसकी जरूरत नहीं है जख्म लग गया मुझे और मैं हल्दी डाल रहा हूँ उसके लिए मैं कौन से डॉक्टर की परमिशन लू या मुझे पित्त हो गया मैं आंवे का जूस पी रहा हूँ उसकी मुझे किसी की जरूरत नहीं है एलोवेरा का जूस पी रहा हूँ इसकी जरूरत नहीं है जैसे आरजी के लिए मुझे किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है आरजी जी एक सिंगल हर्ब की तरह मैं इसे यूज कर रहा हूँ मशरूम की तरह उसी तरह यू नो हर चीज अगर आप देखो जाओगे जहां सिंगल आ जाती है जहाँ प्रॉपर्टी होती है नेचुरल होती है जिसपे कोई प्रोसेस नहीं हो गया है इसे हम यूज कर सकते हैं एंड एवरीबडी एवरी कॉमन मैन शुड टेक्निकली यूज करना चाहिए क्योंकि छोटी छोटी बीमारियां है करीबन जो सेवेंटी परसेंट टू एट्टी परसेंट हमारे मेडिकल फर्टर्निटी पे लोड डाली हुई है अगर हम इसको खुद मैनेज करने लगे छोटी छोटी चीजों पे नो तो कहीं ना कहीं मेडिकल फर्टर्निटी पे से जो लोड है वो कम हो जाएगा जहां जरूरी है वो ट्वेंटी परसेंट लोग जिसको सच में सच में कंसल्टेशन की जरूरत है सच में ट्रीटमेंट की जरूरत है वो लोग वहां कॉन्सेंट्रेट करेंगे ये एट्टी परसेंट जो है ये हम लोग आराम से खुद ही मैनेज कर सकते हैं उसके लिए आ, किसी वैध की जरूरत नहीं होती है। मतलब पिछले मुझे हिसाब से अराउंड ट्वेंटी ना ऑलमोस्ट ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ईयर्स ना मुझे मुझे खुद को आयुर्वेदिक दवाई की जरूरत भी नहीं पड़ी है यू नो विद इन माई फैमिली और फ्रेंड्स में मेरे दोस्तों में हम लोग तो सिर्फ लाइफ स्टाइल की प्लस माइनस करते कोई सी वनस्पति कब ले सकते हैं उसके बेनिफिट्स हम बता देते हैं एंड पीपल कीप ऑन टेकिंग दैट एंड उनके बेनेफिट, उनको बेनिफिट भी मिलता है डॉक्टर uh, जैसे कि uh, कुछ प्रश्न आ रहे थे मेरे पास uh, जैसे नॉर्थ इंडिया में कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे विंटर सीजन आ रहा है और विंटर सीजन में क्या होता है कि, कि कितनी भी कोशिश कर लो कि बच्चे और जो बुजुर्ग हैं हर एज के लोग बाहर निकलते हैं उनको सर्दी खांसी या जुकाम इस तरीके की ची� चीजें हो जाती हैं तो इसके लिए हमारी जो हब का कौन से हब का कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट रहेगा जिससे कि पहले से तैयारी कर लें और क्योंकि आज की डेट में काफ और खांसी होने का मतलब लोग डर जाते हैं कि कोविड तो नहीं है और डर के हमारे उनके अंदर भी आना जाना बंद कर देते हैं और घर के लोगों के अंदर भी पैनिक क्रिएट हो जाता है तो डॉक्टर इसके बारे में बताएं कि हमारी जो ये हफ्स हैं किस तरीके से ये जो समस्याएं कॉमन समस्या है जो कफ एंड कोल्ड्स की सभी सभी उम्र के लोगों के लिए बच्चों से लेके सभी उम्र के लोगों के लिए तो तो के के लिए लिए भी भी हमारी ये किस तरीके से मदद कर सकती सकती और कौन सी है जो uh, इसमें बहुत ज्यादा कारगर सकती है। अच्छा एक चीज कोई हो जाता है तो अग्निवर्धन हमारा जरूरी है क्योंकि इसीलिए हम लोग गर्म चाय पीते हैं सूप पीते हैं यहाँ पे हमारा सबसे पावरफुल चीज जो है कलौंजी हमारी जो ब्लैक ये काम करेगी सेकेंड गुड़ूची इसकी एक खासियत है ये मैंने जैसे बताया ये पित्त और कफ दोनों को बैलेंस कर देती है इसको आता है मैनेज करना और इसीलिए गुरुचि के साथ अगर हम कलो ये हमारी जो ब्लैक क्यूमिन लेते हैं तो डेफिनेटली हमारे बॉडी में एक ऐसी सिस्टम बन जाती है कि वो ये जो कफ एंड कोल्ड है इसमें आप आ, फायदा कर सकते हो और बहुत जल्दी एक और एक चीज आने वाली है जिसे हमको देख नो एंड्रोजी हम, हम लोग एंड्रोग्राफिस पेनिक्यूलाटा करके एक हब आ रहा है इसे चिरायत कहते हैं कड़वा बहुत ही कड़वा होता है वो भी आने वाला है जो इलनेस में काम आता है तो ऐसे बहुत सारे हर्ब्स आने वाले हैं लेकिन फिलहाल अगर ब, बताओ मैं बताओ तो हमारा जो ब्लैक क्यूमिन विद गुड़ूची फेंटेस्टिक बेनिफिट मिलेगा इसमें और चाय हमारी जो ऋषि टी है या फिर कॉफी आप भरपूर अमाउंट में पीते जाओ बॉडी को टेम्परेचर को डाउन मत होने देना क्या होता है कि जब सर्दी खांसी हो जाती है तो यहाँ बॉडी टेम्परेचर डाउन हो जाता है और बॉडी बाकी जगह हीट हो जाता है और अचानक बॉडी में दर्द मैंने जैसे बताया ना पित्त और कफ इनके बीच में जैसे ही डिफरेंस बढ़ गया शरीर में एक टाइप का दर्द ये सब चीजें शुरू हो जाती वात बढ़ना शुरू हो है और फिर ये जो बढ़ा हुआ वात ही, यहाँ वहाँ सब कुछ घुमाना शुरू हो जाता है पित्त को घुमाएगा हीट को यहाँ वहाँ घुमाएगा कफ को घुमाएगा और तकलीफ आ, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो डेफिनेटली ऐसे सिचुएशन में हमारा जो ब्लैक्यूमिन गुड़ुची ये आप ले सकते हो विथ हमारे टी ब्लैक टी बहुत कुछ सर्दी खांसी जुकाम जो होता है उसके लिए बहुत फायदेमंद होता है सभी लोगों के क्वेश्चन इसी से आ रहे हैं तो मैं समझता हूँ की जवाब ऑलरेडी डॉक्टर सवेरा ने दे दिया है बहुत खूबसूरती से आप ब्लैक और अपना गिलोय का साथ में सेवन करें और साथ में टी और कॉफी का भी सेवन करें तो इससे आप बच सकते हैं और अच्छा स्वस्थ सर्दियों का जो विंटर का मौसम आ रहा है त्यौहार आ रहा है इसको मस्त होके बिंदा स्वस्थ रहकर बिता सकते हैं थैंक यू डॉक्टर थैंक यू गिविंग चीज का जवाब दे दिया

कि मार्केट uh, में अगर देखा जाए कि uh, बहुत सारे प्रोडक्ट uh, इस तरीके से मौजूद हैं हर कोई आज की डेट में आयुर्वेदा सीरीज के प्रोडक्ट लेके आ रहा है तो हमारे अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए गुणवत्ता के लिए तो uh, अब कुछ लोग इसलिए प्रश्न कर रहे हैं तो थोड़ा सा मुझे अटपटा uh, सा भी लगा कि मैंने कहा क्यों ना आपसे पूछ क्योंकि आपको पता है कि आपने किस तरीके से इसको स्पेशली uh, एक टीम वर्क करके आपने इन प्रोडक्ट को आप लेकर आए हैं

मेरा जो आयुर्वेदा का जर्नी है मैं वो कंटिन्यू करना चाहता हूँ और वहाँ से फिर डॉक्टर ने मुझे हेल्प किया कि बोला कि क्यों ना आयुर्वेदा को डीएक्शन में हम लॉन्च करेंगे तो सबसे बड़ा चैलेंज था कि क्या लॉन्च करें कैसे लॉन्च करें क्योंकि डी जब आते ये बात तब पहले तो क्वालिटी और फिर परफॉर्मेंस ये सब चीज़ें आती है एंड आयुर्वेदा भी लॉन्च करना है तो आयुर्वेदा भी इतना अनसर्टन है कि कहाँ से कैसे लॉन्च करें और तो मैंने डॉक्टर लिम की परमिशन से पूना में डीएक्स एन क्लिनिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पे पहली क्लिनिक शुरू की थी जेन आयु करके जेन मतलब ध्यान और आयु मतलब आयुर्वेदा इसमें ध्यान और आयुर्वेदा इन दोनों का कॉम्बिनेशन में हमने एक क्लिनिक लॉन्च की थी और मैंने सोचा था इसको हम ब्रांचेस करके फैलाएंगे एक पैरल विंग होगा जो मेरे डी एक्स नेटवर्कर्स को सपोर्ट करेगा जिनके पास सवाल होंगे वो लोग आएंगे डॉक्टर से मिलेंगे और फिर डॉक्टर से अगर बीमारी वाला जो स्पेशली बीमारी वाला हमारा नेटवर्कर अपना काफ़ी वक्त uh, टाइम बिताता है बेचारा बीमारी वालों को समझाते समझाते लेकिन वो कुछ लोग तो समझते नहीं तो वहां पे मैंने सोचा था अगर डॉक्टर का साथ मिल जाए तो जबरदस्त हो जाए मेरे मतलब उसको एक्सप्लेन करने के लिए तो वहां से जब शुरू हुआ तो हमने हमने सोचा कि इसको क्लिनिक में हम लोग आयुर्वेदा के प्रोडक्ट्स लाए तो मैंने करीबन सौ ऐसे आ, के मैंने बहुत सारी कंपनियों के प्रोडक्ट्स लिए थे फिर कहीं ना कहीं एक जो लोना वाला बेस्ड कंपनी थी हम वहां से प्रोडक्ट्स लेने लगे और लेने कि मैं वहां की फार्म को देख के आया वो लोग नेचुरली जैसे कल्टीवेट कर रहे वो आए तो हम करीबन दो साल तक पेशेंट हम आरजीजीएल के साथ ये जो हर्ब्स यूज कर रहे थे वो कॉम्बिनेशन हम देख रहे थे तो इफेक्ट बहुत ही जबरदस्त था लोगों की मतलब फ्रॉम कैंसर टू ऑल थिंग्स जो रिकवरी रेट थी वो बहुत ही ज्यादा फास्ट थी और वहां से कॉन्फिडेंस आया कि अगर हम अभी हमने क्लिनिकली जितना हम लोगों ने एक्सपीरियंस लिया इन्हीं के साथ फर्स्ट जाते हुए पहले हम जर्नी शुरू करते हैं तो हमारा मार्केट में हमको वही रिजल्ट मिलेगा जो, मैं जो क्लिनिक में मिला था तो वहीं से हमने शुरू किया लेकिन अब मार्केट ने जैसे एक्सेप्ट कर लिया है तो हमें पता है कि डेफिनेटली जो अभी करंट कंटिन्यू है क्वालिटी वो तो परफेक्ट है ही लेकिन फ्यूचर में जब हमारी सीधी पेट फैक्ट्री बन रही है उस फैक्ट्री की कैपेसिटी जो है जीएम फैक्ट्री की करीबन एक घंटे में छह लाख कैप्सूल बनाने की या छह लाख टैबलेट बनाने की कैपेसिटी रखती है तो फ्यूचर में हम जो सोर्सिंग करेंगे वो भी क्वालिटी स्टैंडर्ड की हमारे जो आने वाले कुछ दो तीन महीने में जब हमारा शुरू हो जाएगा तो हमारे ही फार्म हाउस से मतलब अभी हम लोग जैसे एंड्रोग्राफिस पैनिकुलाटा जो हम लोग बोल रहे हैं जो तो हर्ब्स ये हम लोग ही कल्टिवेट करने का प्लान है हम लोग ही उगाएंगे हम लोग ही उसको प्रोसेस करेंगे जो डीएक्शन की जो एक नागा कॉन्सेप्ट है वन ड्रैगन कॉन्सेप्ट उसको यहाँ भी भी आयुर्वेद में भी फॉलो करेंगे और पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट था कि मार्केट एक्सेप्ट करता है कि नहीं आयुर्वेदा को डीएक्सएन में लेकिन ये जान की खुशी हुई कि पिछले कुछ दो महीनों में मार्केट ने बहुत ही ज्यादा सराह सराहा है इस मूव को और हम कोशिश करेंगे कि हम ऐसे प्रोडक्ट आयुर्वेदा का फुल रेंज सुपर रेंज लाएंगे और डीएक्सएन विल बिकम अ प्लेटफॉर्म इन विच दुनिया तक आयुर्वेदा की सीरीज को नॉट ओनली दिस प्रोडक्ट बहुत सारे प्रोडक्ट्स आएंगे

मेडिसिन पे है वो क्या है क्योंकि एक लैक्टेटिंग मदर जो होती है उसका चाइल्ड कौन सा स्टेज पे हमें नहीं पता वो उस पे क्या ट्रीटमेंट चल, चल रही है तो फॉर मेडिकल फॉर सेफ्टी कोई भी चीज हो हमेशा जो लैक्टेटिंग मदर्स होते हैं जो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं उनको हम ये सेंटेंस जरूर लिखते हैं कि प्लीज टेक दिस अंडर मेडिकल सुपरविजन नाउ मेडिकल सुपरविजन मीन अ फिजिशियन ओके आप जिसके पास जा रहे हो या फिर कोई भी मेडिकल फर्टर्निटी का बंदा क्योंकि कैसे होता है यू यू टेक नो वो डेफिनेटली कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ बहुत सवाल होते हैं कैसे होता है कि uh, कुछ चीजें उसका कोई नहीं होता फिर भी उस पीरियड में वो हो जाना और फिर लोगों को गलत uh, फेहमी होना कि इसके वजह से हुआ It doesn't make any sense. isliye hum log to be on a safer side, we just write uh, for lactating mothers or pregnancy में you please take it under medical supervision. Because wo, wo to patient rehta hi under medical supervision and we want to be on a uh, safer side. Thanks, thanks doctor. I think uh, answer clear. Uh, doctor, <laughs> कुछ answer example था। Doctor, तो चलो कुछ लोग आपका mobile number मांग रहे हैं, तो मैं यहाँ पे screen पे आपका email id share कर देता हूँ। अगर किसी कोई विचार है, तो कम से कम आपसे mail पे वो uh, contact करके आ, अपने विचारों का आदान प्रदान आपके साथ कर सकते हैं तो ये मेल आईडी है अगर विजुअल है सभी को तो डॉक्टर डी आर राजेश सवेरा एट द रेट जी मेल डॉट कॉम तो आपने कोई भी क्वेरी है कोई भी प्रश्न है आप डॉक्टर सवेरा से मेल के माध्यम से कर सकते हैं कि मोबाइल डॉक्टर सवेरा बिजी रहते हैं तो नहीं शायद नहीं एक बार को मिस हो जाए तो बेटर है कि आप अपने मेल के माध्यम से, से कॉन्टेक्ट करिए जिससे कि आपको ये रिप्लाई देख दे सके

तो डॉक्टर क्या क्या इस इस तरीके से भी आपको सर्दी खांसी सलाह हम देते हैं जनरली और ये हमें एक इनहेरिटेंस में मिला है तो अपने आ, मदर से अपने दादा से और उनके दादा के दादा से ये चला आ रहा है राइट ट्रेडिशनल तो अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन डॉक्टर यही है लोगों के बीच में कि Uh, क्या हम जैसे आपने बोला पैरासिटामोल दे दो तो क्या क्या ये एक कॉमन मैन एक कॉमन मैन को बोल सकता है तो क्या इसके ऊपर कोई ऐसा कोई लीगल एक्सपेक्ट एस्पेक, तो नहीं है कि आप किसी को रिकमेंड कर रहे हैं और आप किसी को बता रहे हैं खा लो कल को कुछ हो गया तो पता चला उसके ऊपर ही पड़ गया नहीं नहीं इसीलिए ये बहुत सिंपल है कि यहाँ पे आप क्लेम नहीं कर सकते कोई भी बॉटल पे ये लिखा नहीं है कि इट इज यूज फॉर मेडिकल रीजन इट इज गिवन एज अ सप्लीमेंट ओके एज अ सिंगल हर्ब ये वनस्पतियों के गुण है आपको गुण मालूम होने चाहिए जैसे सब्जी मंडी में जाके आप सब्जी खरीदते हो जब यू नो घर में आपके यू नो माँ बाप किसी को डायबिटीज हो तो आप जाके करेला खरीदते हो आज कुछ त्योहार है आपको कुछ वीकनेस आई है आपके लिए उसके लिए कुछ अलग खरीदते हो फ्रूट खरीद के आते हो उसी तरह आदमी ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके वनस्पति की जो अवेलेबिलिटी है आज उसको अगर यूज करना चाहे तो वो कर सकता है जैसे मैंने कहा सिंपल इसे आप डेली कंजम्पशन में भी डाल सकते हो या फिर जैसे डेली है वो आयुर्वेदिक है लेकिन वो डेली कंजम्शन ओपनली बताएगी आप लो अपनी इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए उसी तरह अगर मुझे पूरे छे के छ एक बॉटल में डाल के देने ही पड़ते तो मैं भी वही बोलता था मैं आज अलग अलग करके दे रहा हूं क्योंकि प्लस माइनस आपको जैसे यूज करना है वैसे ही यूज कर सकते हो तो डेफिनेटली क्लेम तो नहीं करना है आरजीजीएल का भी क्लेम नहीं करना है कोई भी चीज का क्लेम नहीं करना है ना डॉक्टर खुद क्लेम कर सकता है नो बडीज तो right के पास ही नहीं है इसीलिए तो इसे प्रैक्टिस बोला जाता है प्रैक्टिस मतलब आदमी एज अ लाइसेंस दिया गया है कि वो प्रैक्टिस कर सके आप एज अ कॉमन मैन जहां पे लिखा हुआ है अंडर मेडिकल सुपरविजन या जहां पे लिखा है प्रिस्क्रिप्शन uh, वो चीजें आप रिकमेंड नहीं करना चाहिए और वो किसी को प्रमोट भी नहीं करना चाहिए और कभी भी जैसे डॉक्टर लिम ने बताया कि एक फॉल्स क्लेम बड़ी बड़ी बातें अगर करना भी गुना है इट इज नॉट इवन दी क्वालिटी वो क्वालिटी भी नहीं आनी चाहिए मैं खुद नहीं करता हूं आज तक तो एक लिमिट तक आप उसकी इंफॉर्मेशन दे सकते हो आदमी को जैसे उसको यूज करना है इट इज हिज चॉइस बहुत खूब डॉक्टर साहब मैं समझ सकता हूँ कि अब ये नवजोत की बात भी सबको क्लियर हो गई होगी जो कहना चाहते थे कि कि हमें किसी किसी भी भी चीज का का क्लेम नहीं करना है क्योंकि वी आर आर नॉट नॉट हम हम बीमारी इलाज कर देंगे और दैट इज तो कुछ भी कर सकते हैं हम खाली प्रयास कर सकते जब डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब ने बताया कि डॉक्टर भी प्रयास करते हैं उसको सही करने का अपने ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए सामने वाले के सिम्टम्स और लक्षणों को देखते हुए जब जहां लिखा है डॉक्टर की आवश्यकता है तो वहां है वहां आप इग्नोर नहीं कर सकते डॉक्टर को और डॉक्टर तो डेफिनेटली आपको फर्स्ट प्रियोरिटी पे रखना ही पड़ेगा क्योंकि वही है जो हमारे जीवन को बचाता है और हमें स्वस्थ बनाने में मदद करता है बाकी ये सब जो सहायक हैं आपको स्वस्थ बनने में आपके शरीर को सपोर्ट कर सकती हैं तो यही मैसेज है कि आप कभी क्लेम मत करिए और बिंदास होकर इसको खाइए क्योंकि नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं और इसको कोई भी खा सकता है जहां आपको लगता है कि आपको कुछ समस्या है डाउट है डेफिनेटली अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लीजिए

Uh, uh, डॉक्टर uh, वो क्वेश्चन ये था कि uh, नोजो सर ये जानना चाह रहे थे कि जो हमारा uh, त्रिफला है त्रिफला में आंवला होता है आंवला विटामिन सी का सोर्स होता है तो उसको क्या हम दूध के साथ ले सकते हैं उनका कहना था कि हम भी दूध के साथ इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि इसमें विटामिन सी है तो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए सर इसके बारे में बताइए या 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 तो बेसिकली देखो जब हम डीएक्शन की बात करते हैं हम मैक्रोथेरेपी की बात करते हैं ना आयुर्वेद में भी कहीं पे भी विटामिन सी विटामिन डी विटामिन ई e, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात ही नहीं होती है हम बहुत सिंपल उसके रस वीर्य विपाक ये जो गुण धर्म होते हैं उसके बेसिस पे करते हैं आंवला जो होता है अगर आप देखोगे आंवला में जो भी हो वो अम्ल रस है और आंवला का जो रस है ये आपको जब लेना होता है एक्चुअली आंवला अकेला ही काफी है उसको आप त्रिफला के साथ लेते हो तो त्रिफला डायरेक्ट ऐसा लिया तो भी चलेगा जब आप दूध आप क्या दूध में डालने वाले हो या उबालने वाले हो तो इट डज मेक एनी सेंस। अगर आप त्रिफला लेके उसको दूध में डालने वाले हो, तो मतलब नहीं बनता है क्योंकि आप हमने इसको इतना सिंपल किया है आपको गोली के साथ लेना है दूध आप ऊपर से पी सकते हो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है एज ऊपर से पीने में तकलीफ नहीं होती है जब आप दोनों के बीच में आप संस्कार करना चाहते हो तो डेफिनेटली ऐसा कहीं पे रिकमेंड नहीं किया कि कि आंवला को के के दूध में उबाल उसको लेना चाहिए आई आई डोंट थिंक सो इज दैट नो ऑफ ऐसा कुछ है तो ये विटामिन सी विटामिन डी विटामिन ई ये जो ईसा माइक्रोन्यूट्रिय की बात ही नहीं करनी चाहिए हमने वो रखना चाहिए फॉर स्पेशलिस्ट फॉर डॉक्टर्स टू डिसाइड हमने सिर्फ सिम्टम्स प्यास लगी तो पानी दो ओके okay, सूखा हुआ स्किन तो तेल लगाओ कहीं तो यू नो ठंड लग रही है तो चाय पियो ये सिंपल चीजों में हमने हमने देना चाहिए स्ट्रेस है खाओ, है खाओ कमजोरी हो रही अश्वगंधा लो आप समझे मेरे अग्नि नहीं लग रहा भूख नहीं लग रही कलोजी लो हमारा ब्लैक क्यूमिन लो पेट साफ नहीं हो रहा त्रिफला लो और क्या चाहिए बहुत सिंपल है इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता इसको कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत ही नहीं है थैंक यू डॉक्टर आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज हमारे सभी दर्शकों को बताया कि आप का ये सिक्स जो हमारे एडविजा सीरीज के प्रोडक्ट हैं इंक्लूडिंग और गैनोडर्मा भी और हमारे डिक्सिंग और प्रोडक्ट्स भी ये आपकी बॉडी को सपोर्ट करने के लिए हैं ये किसी डिजीज के क्योर मतलब किसी डिजीज को की दवाई नहीं है तो ये एक जैसे नॉर्मल जनरल फूड खाते हैं खाना खाते हैं जैसे हम उसी हिसाब से जैसे हम सब्जी आप सब्जियों का अपना एग्जांपल दिया उसी हिसाब से डील्स के प्रोडक्ट्स को भी हमें एज ए भोजन के रूप में लेना चाहिए जिससे कि हमारे शरीर को सही पोषण मिल सके और हमारा शरीर जब मजबूत होगा तो बीमारियों से लड़ने में सक्षम होगा दैट्स ट्रू सो डॉक्टर मे बी मेबी वी कैन टेक वन मोर लास्ट क्वेश्चन एंड देन

अभी नवजोत ने इतना बड़ा भाषण सुनाया आपको कि तो अभी नहीं लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ आपकी जो भी ट्रीटमेंट चल रही है डॉक्टर के थ्रू ट्रीटमेंट चलो यहाँ पे जो है ट्रीटमेंट नहीं होती है यहाँ पे होता है नॉलेज जिसके बेसिस पे अभी मैंने इतना पुरान पढ़ाया आपको सिखाया इसमें से आप चॉइस करो जैसे मैंने कहा स्ट्रेस हो गया स्ट्रेन हो गया ये सब चीजें आप समझो और फिर आप उसमें से आपको क्या चाहिए आपके बॉडी को क्या सूट करेगा वो चूज करो आप और अगर आपको फिर भी किसी गाइडेंस की जरूरत है तो डीएक्शन में भी काफी लोग हैं हैं। जो आपको इसका जवाब दे सकते ओके, सो डोंट 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 कंसल्टेशन देनी पड़ेगी और सर आपने जो बोला ना नीम तो नीम ज्यादा लेने से स्पर्म कम होता है ना, सर। है? नीम ज्यादा खाने से स्पर्म कम होता है ना? मैं वापी, अभी अभी मैंने बताया विटामिन सी विटामिन डी ये वो कहा लिखा है ऐसा नीम सर आयुर्वेदा इसमें लिखे वाला है तो द्रव्य नहीं, नहीं, नहीं अति योग कोई भी चीज का जब वो रुक्ष गुण के साथ है कोई भी रुक्षता स्पर्म काउंट को कम करती है ऐसे नहीं कि नीम की नीम की रुक्षता अगर आप सही मायने में अगर आप यूज करो जैसे आग आग तो पूरी चीज जलाती है लेकिन आग को सही यूज करोगे तो खाना पकाती है ये yes सुनो no? उसी तरह रुक्षता को भी अगर आप सही समझो तो नीम की रुक्षता शरीर को शुद्ध करती है और अगर आप उसको अगर स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए भी लेनी है तो मैं तो आपको ये बताऊं तो अगर आप नीम विद घी अगर आप लेते हो या फिर वर्जिन कोकोनट ऑयल से तो स्पर्म काउंट बढ़ेगा कम नहीं होगा जिसके साथ लगे हो वैसे उसका अनुपात के साथ उसका कार्य होता है आप समझे मेरी बात तो यू शुड नो आयुर्वेद में वैद्य की युक्ति का प्रमाण अपनी बुद्धि का प्रमाण यूज करके कोई भी चीज या तो जहर या तो दवाई बोल के यूज होती है तो हम हम ये जनरल कभी नहीं करते आयुर्वेदिक फिजिशियन कभी ये क्लेम नहीं करता कि इससे रुक्षता बढ़ती अगर आप एक, एक दो दो ग्लास आप जूस ही पी रहे हो रोज ही पी रहे हो और ये तो डेफिनेटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अति योग का आपको नतीजा होगा लेकिन हम कहीं भी नहीं बोल सकते ये कि इसकी वजह से ये होता है स्पेसिफिक कभी नहीं होता आयुर्वेदिक इज डायनेमिक मेडिसिन ये स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है ये डायनेमिक है पर्सन टू पर्सन प्रकृति पुरुष उसकी स्थिति उसका आहार विहार सब चीजें देख के फिर उसके हिसाब से उसको समझना चाहिए इसीलिए हम दवाई भी नहीं दे रहे उसे सिंगल हर्ब्स की तौर पे रखा है और उसका इफेक्ट मैंने कैसे बताया आप दो दो लो अपनी स्किन के लिए समझ में है तो हमने कभी इस काउंट कम होते हुए अगर आपने गलत यूज किया तो डेफिनेटली बढ़ेगा अगर किसी ने कल डिसाइड किया मैं रोज एक एक दो दो बॉटल खाते रहो खाते रहो पूरा बॉटल के बॉटल पीते रहो दिन में तीन बॉटल तो डेफिनेटली अतियोग कर रहा है और अतियोग कोई भी चीज आप जिंजर भी अगर दो दो जिंजर तीन जिंजर सुबह से शाम का हो तो आपको पित्त ऐसी बीमारी होगी कि आपको पता नहीं चलेगा ओके सो इट इज ऑल अबाउट यूजिंग इट इन द राइट वे ठीक है और सर जो अश्वगंधा के साथ अस्थमेटिक पेशेंट अनुपान दूध ले सकता है क्या सर हाँ जरूर जरूर ले सकते हैं दूध अच्छा है उससे कप नहीं बढ़ेगा क्या सर नहीं चेस्ट नहीं नहीं अल्टीमेटली डॉक्टर सुमित ये हम अल्टीमेटली डॉक्टर हम हेल्थ की तरफ ही आ जाते हैं और हेल्थ को अगर हेल्थ का को कोई क्वेश्चन हो ना तो बीमारी से जुड़ जाता है वो नहीं नहीं तो नहीं, नहीं है गेश जवाब जवाब भी नहीं है नहीं होता है नहीं होता है मैं मैं हूँ यहाँ पे मैं यहीं पे हूँ इंडिया में ही हूँ और मैं ए, कभी भी एक्सेसिबल हूँ कम हो uh, thank you. Thank you. Uh, कम से कम नहीं तो पूरे देश विदेश में कई हजार लोगों ने देखा है आज और उनको फायदा भी होगा और दोस्तों कुछ लोगों का इश्यू आ रहा था कि हमारा क्वेश्चन आंसर जो सेशन था वो यूट्यूब पे नहीं आ रहा था तो कुछ नेट इश्यू के कारण वो नहीं जा पाया नेट पे लेकिन ये वीडियो है ये वीडियो रिकॉर्ड हुआ है इसको हम बहुत जल्दी अपलोड करेंगे तो इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा जो भी क्वेश्चन आंसर थे ये भी आपको क्वेश्चन के अंदर देखने को मिलेगा आफ्टर द वीडियोस क्योंकि सोशल मीडिया पे हम कोई भी चीज अगर लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली वी मस्ट हैव टू रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट सो आप भी समझ सकते हैं तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें सेंसर भी करनी पड़ती है नहीं तो कोई ओवर क्लेम ना हुआ हो कुछ और चीज ना हुई हो ये सब ये सब हमें ध्यान में रखना पड़ता है अगर कोई ओवर क्लेम हुआ है तो वो अपने व्यक्तिगत नहीं नहीं, किसी, कि किसी रोग को दूर करते हैं किसी बीमारी को दूर करते हैं हाँ के आप एज ए पूरक आहार के रूप में ले सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से ले सकते हैं अपना स्वतः विवेक का इस्तेमाल करते हुए या अपने अगर आपको कोई बीमारी है तो अपने डॉक्टर की सलाह के साथ भी आप इन उत्पादों का सेवन

तो इसके लिए आपको क्या करना है डिक्शन के सभी उत्पादों का दिल खोल के सेवन करना है और बिना किसी सोच बिना किसी सोच विचार के आप इसको यूज करिए इस्तेमाल करिए उसके फायदों को महसूस करिए लोगों को बताइए यही मेरा मैसेज है आप सभी लोगों के लिए थैंक यू वेरी मच डॉक्टर थैंक यू थैंक यू राहुल थैंक यू थैंक यू